Are you ready? Assalamualaikum. कैसे आप लोग? आज की ऑडियंस तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है मुझे. एक बार खड़े-खड़े अपने लिए तालियां बजाइए. ये बात प्लीज हमारी सीट बैठ जाइए. देखिए ऑडियंस तो जबरदस्त आ गई है, लेकिन मैं पहले चेक करना चाहूंगा ये एनर्जी वाली ऑडियंस है भी या नहीं, क्योंकि गेम शो ऐसे चलेगा इज ऑल अबाउट एनर्जी. हाँ जी बताइए, एनर्जी है या नहीं? क्या बात है यहाँ वाले लोगों में? यार आज तो कुछ ज्यादा एनर्जी आ गई है सबके अंदर. चेक करते हैं कि मेरी टीम में आज एनर्जी है या नहीं. हाँ भाई एक मिनट, इनमें तो एनर्जी रहती रहती है, लेकिन आपकी तालियां इनकी एनर्जी को ट्वाइस करती है, दोगुना. बहुत सारी तालियां जाए मेरी टीम के लिए. जी तो मैं कह रहा था, क्या चाहिए आप लोगों को? गेम शो ऐसे चलेगा मैं, आप लोग जब आते हैं तो क्या जीतने आते हैं? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिएगा. बाइक. यहां वाले लोग क्या जीतने आते हैं? गाड़ी. जोर से बोले. अच्छा गाड़ी. अच्छा तो मेरे पास है पोटली. कौन खेलने आ रहा है? इतने सारे लोग तो नहीं आ सकते, यहां से कोई एक दो लोग. अभी मैंने कहा है कि इतने सारे लोग नहीं आ सकते. इसका सबसे बेहतर हल यही होता है कि अपने अपने कूपन्स निकालिए. मैं देखता हूं कि किस्मत किसे मेरे साथ यहां खेलने लाएगी. नंबर है जी GS354 354. कौन है? आइए जल्दी से लाओ भाई, क्वेश्चन लाओ. नहीं पहले हे ब्रांड्स की टी शर्ट लाओ जल्दी से. चलिए भाई आगाज करते हैं. किसे चाहिए? हे ब्रांड. और किसे चाहिए? हे ब्रांड. हे ब्रांड. हे ब्रांड की टी शर्ट है और लाओ. पकड़ो. किसे चाहिए? ये लीजिए. और किसे चाहिए? आपको भी चाहिए. हे ब्रांड. और हे ब्रांड की टी शर्ट है और किसे चाहिए? वहां भी जाएगी. ये लीजिए. व्हाट अ थ्रो. हाँ जी और आपके पास आएगी. ये लीजिए. व्हाट अ थ्रो. आगे नहीं पहले क्वेश्चन लो जल्दी से. सवेरा अगर कोई मेल आंसर देगा तो उसको रिबेल की वॉच दूंगा, कोई फीमेल आंसर देंगी तो उनको हैश ज्वेलर की ज्वेलरी दूंगा. पहला सवाल, पाकिस्तान के पहले पंजाबी शायर का नाम बताइए. क्या मुश्किल से? बहुत मुश्किल पूछ लिया है. नहीं आसान है बहुत. पाकिस्तान के पहले पंजाबी शायर का नाम कौन कह रहा है? माइक देकर आए जल्दी से. माइक जल्दी. ये माइक. माइक ये रहा. ये फातिमा कहाँ चली गई? ये रे ये ये. पाकिस्तान के पहले पंजाबी शायर का नाम? लामा इकबाल. जोर से. लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल. गलत जवाब. हाँ भाई पाकिस्तान के पहले पंजाबी शायर का नाम क्या है? अभी तो बोला है गलत जवाब. अभी बोला है गलत है. ये अल्लामा इकबाल शायर है, मशरिक है. अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के पहले पंजाबी शायर का नाम. जी बताइए. नहीं जी वारिस शाह भी नहीं. नहीं जी गलत. बाबा भुल्ले शाह भी नहीं है. क्या? माइक दे. माइक सही.
सियालकोट सियालकोट पता नहीं किसका जवाब है ये। पाकिस्तान के पहले पंजाबी शायर का नाम पूछा सियालकोट जी। कहाँ देखा? जरा मोबाइल दिखाइएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी गूगल चेक करूं। कोई और? वो देखो कर लिया गूगल, आंसर मिल गया है। अच्छा हाँ भाई, दिन को माइक दे जरा जल्दी से। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, मैं देख रहा होता हूँ। जी क्या नाम है? राजा गुलाम फरीद। बाबा गुलाम फरीद, बिल्कुल सही जवाब है। ज्वेलर की ज्वेलरी, थैंक यू बोले गूगल को, गूगल को थैंक यू बोले। एक सवाल और करूंगा, किस मुल्क में आलू की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? आलू की पैदावार किस मुल्क में सबसे ज्यादा होती है? हमारे यहां खाए जाते हैं आलू? खाए जाते हैं या नहीं खाए जाते? तो फिर क्या आंसर होना चाहिए? माइक दे जल्दी से। किस मुल्क में आलू की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? ब्राजील। ब्राजील गलत जवाब। हाँ जी ब्राजील तो गलत जवाब है। ब्राजील में वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के बहुत सारे फैंस हैं वहां पर। जी बताइए। इंग्लैंड। माइक जल्दी से यार, अलीजे माइक जल्दी से लेके। किस मुल्क में आलू की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? उस मुल्क का नाम है सिंध। पाकिस्तान। अब आपने देख लिया गूगल। हाँ भाई, भाई को माइक दो जल्दी से। फातिमा। चाइना। चाइना का माल खरीद खरीद के, आलू भी चाइना के, लेकिन बिल्कुल सही जवाब है ये। रिबेल की मौज कहाँ है? अरे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि भूख किस किस को लगी है? भूख लग रही है? क्या नाम है पहले हाथ मिलाइए, क्या नाम है? लाओ भाई ईशल के लिए पिज्जा लाओ जल्दी से। और किसे चाहिए पिज्जा? क्रस्ट का पिज्जा ये लीजिए आप, पिज्जा क्रस्ट। और किसे चाहिए? जहां से शोर आए जहां वही आऊंगा, पिज्जा क्रस्ट। चलो पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पिज्जा क्रस्ट। और किसे चाहिए? चाहिए ये लीजिए पिज्जा क्रस्ट। और कौन है? जल्दी से और ले आओ पिज्जा क्रस्ट। और बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बैठ जाइए, मैं खुद दूंगा, बैठ जाइए, जगह पर बैठिए, जगह पर, जगह पर बैठे, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, उनको देख रहा हूँ। वरुण जल। और किसे चाहिए? आइए कैच पकड़िए, कैच पकड़िए, पिज्जा क्रस्ट। और किसे चाहिए? पिज्जा क्रस्ट, पिज्जा खाइए, पिज्जा क्रस्ट। चले भाई बैक टू द पोट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है साहब आपका? तनवीर। तनवीर साहब जी। समरीन। समरीन, तनवीर। और बच्चों के क्या नाम है? आयान अहमद, उमर अहमद। आयान अहमद, मेरे बेटे का नाम है रायान तैमूर, मिलते जुलते नाम है भाई। कौन सी क्लास में आयान? फोर। फोर क्लास में? इतने बड़े हो के फोर क्लास में? मैं जब तुम्हारे बराबर का था मैं सेवन क्लास में था। मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा क्या करते हैं आप? ट्रेडिंग का काम है। ट्रेडिंग का काम है आपका। आज यहाँ आप आ तो गए हैं अपनी किस्मत को आजमाने, कभी पहले आजमाई है? पहले आजमाई नहीं है या पहले किस्मत ने कभी इस तरह का मौका नहीं दिया कि आपको किस्मत आजमाए? पहली बार इस तरह के शो में आए और आज ही जो है ना। नहीं, इस तरह के शो में तो चले आप पहली बार आए हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा कोई मौका आया कि आपने कोई लॉटरी खेली हो या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जिसमें किस्मत का बड़ा अमल दखल होता है? वैसे तो पूरी जिंदगी में किस्मत का बड़ा अमल दखल है। एक चीज मैं ये जानता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंसान की किस्मत में जो कुछ होता है वो उसको जब मिलना होता है वो मिल के रहता है, वरना आप कितनी भी एफर्ट कर लें अपनी सी, अगर कोई चीज़ किस्मत में नहीं है तो वो नहीं मिलती है। इससे आप घबराइएगा नहीं,
हो सकता है मैं आपको कोई ऐसी ऑफर दे रहा हूँ जो आपकी किस्मत में चीज निकलने वाली हो उससे ज्यादा बेहतर हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा गेम को गेम की तरह खेलिएगा, सही है? ओके सर। बताइए कौन सी पोटली लाएंगे, लकी नंबर क्या है आपका? 6 नंबर। 6 नंबर लकी नंबर है आपका? ट्राई कर रहे हैं। वैसे लकी नंबर है क्या? लकी आज तक सोचा ही नहीं लकी कौन सा। चलिए आज देखते हो सकता है इनका 6 नंबर लकी हो, इनको आज पता चले। आइए जरा मेरे साथ। कैसे ये दरवाजा खुलता है आपको पता है? अगर गलत बोलेंगे तो अंदर जाके बंद भी हो जाता है दरवाजा। ही पकड़ लाऊंगा। किसको? आपने छोड़ा भाई। कोबरा नहीं, हमने शेर छोड़ दिया है, वो आपको पकड़ लेगा अंदर। बताइए कैसे खुलता है ये? बोल जा सिम सिम। ये बात जाइए जाइए, घबराइए नहीं, कोई भी एक पोटली अपनी पसंद की ले आइए। आप कहाँ हैं सर? वो कुछ लोगों के लिए आते हैं, आप सबके लिए नहीं है। अच्छा जी, इन्होंने अपने लिए चूज की है पोटली नंबर 6 नंबर। किस किस का लकी नंबर है भाई? है आपका लकी नंबर 6 है? और किसका लकी नंबर 6 है? आप सबका लकी नंबर 6, आपका भी 6 और आपका भी 6 है और आपका लकी नंबर भी 6, आपका भी 6 है, आप बच्चों का भी 6। नाइस, बहुत सारे लोगों का लकी नंबर है 6, इसलिए मैं पहले खोल के देख ही लेता हूं कि 6 नंबर में है क्या। तो किसका लकी नंबर 6 था? अरे एक बंदे ने हाथ खड़ा नहीं किया। किसका? अभी तो इतने सारे कह रहे थे कि हमारा लकी नंबर 6 है। देख रहे हैं आप लोग, फौरन पलट गए ये लोग। खैर आपने तो अपने लिए खुद ही चूज की है पोटली नंबर 6, ऐसा ही है, अपनी पसंद से लाए आपको, आपकी पसंद पे नंबर 6 पोटली पर मैं आपको पहली ऑफर दूंगा 30,000 रुपए की। सर इतने सारे लोगों में हम यहाँ आए हैं तो इंशाल्लाह उसमें बड़ी वो तो किस्मत लाई है आपको, मैंने थोड़ी बुलाया। इंशाल्लाह 4,000 cc है। लाओ यार इनके लिए जरा एक पिज्जा क्रस्ट का पिज्जा लाओ। ये जब जब आपको अभी भूख लगे आप थोड़ा थोड़ा खाते जाइएगा ताकि बच्चे ऑलरेडी बच्चे खा लें। बिल्कुल आपका ही है, खा सकते हैं, बिल्कुल खाएं और शुरू हो जाइए। बच्चों खाइए आप पिज्जा, मैं बाबा के साथ जरा पैसों की लेन देन की बात कर लूं। पहली ऑफर में आपको दे रहा था 30,000 रुपए, आपको चाहिए या नहीं? नहीं सर। पाकिस्तानी हूं मैं, पहली ऑफर 30,000 रुपए कब देता हूं? मैं तो नॉर्मली 1,00,000। इंस्टाग्राम से लाइव, फेसबुक से लाइव, फिर कहां से पिक्चर ले रही है मेरी, ले ले, मैंने मना थोड़ी किया है। जी बताइए 30,000 रुपए की ऑफर मैं कब देता हूं? जब बड़ा इनाम हो। नाइस, और किस किस को लगता है इसमें बड़ा इनाम है? जब गाड़ी होती है। और आप सबको लगता है इसमें कोई बड़ा इनाम है इसलिए मैं 30,000 रुपए की ऑफर कर रहा हूं। अच्छा, ऑडियंस कह रही है कि इस 6 नंबर पोटली में कोई बड़ा इनाम है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल है सर, बड़ा इनाम है। बिल्कुल, इसलिए मैं 30,000 रुपए दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, कितने मासूम है आप। अच्छा जी, तो आपको 30,000 रुपए नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपको पहली जेन्युइन ऑफर दूंगा 1,50,000 रुपए की। नहीं सर। अब मैं आपको 1,50,000 रुपए दे रहा हूँ कैश, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। 30,000 रुपए मैंने किसी वजह से बोले होंगे, क्योंकि मैं बात बात पर हिंट तो देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फायदा हो जाए। अब समझदार को इशारा काफी होता है, मैं समझा सकता हूं, बता नहीं सकता, सही है। 1,50,000 रुपए कैश आपको दे रहा हूं 6 नंबर पोटली पे। सर 1,50,000 में तो आजकल कुर्बानी का अच्छा जानवर भी नहीं मिला। ऐसी बात तो नहीं है यार, यार यार लकी क्या बात कर रहे हैं ये लोग यार। नहीं एक मिनट, अभी तो गए नहीं वहाँ पर, अभी तो पता नहीं क्या रेट। लेकिन 1,50,000 का जानवर तो आ जाता होगा कुर्बानी। अच्छा जानवर नहीं मिलेगा? अच्छा या नहीं? अच्छा भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, ढूंढना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मिल जाता है। आपको लगता है 1,50,000 रुपए कम है मेरे ख्याल में इस पोटली के हिसाब से? चले ये तो आखिर में पता चलेगा कि पोटली के जो इनाम है वो ज्यादा अच्छा है या मेरे पैसे ज्यादा अच्छे हैं। 1,50,000 रुपए नहीं चाहिए आपको? पोटली के साथ जाएंगे? बिल्कुल लाए भाई। सबसे पहले डैन पार्क चॉकलेट्स की तरफ से बाइक दीजिए इन्हें, डैन पार्क के चोको एक्स की बाइक है ये। 1,50,000 रुपए और साथ में एक बाइक आ गई है आपके पास, ये आप अभी बोलेंगे अभी आपके नाम हो जाएगी। 1,50,000 रुपए भी और ये बाइक भी, चाहिए क्या? नहीं सर।
नहीं चाहिए, पोटली के साथ जाएंगे, पोटली के साथ जाएंगे, भले पोटली में कुछ भी हो। जो लोग यहाँ पहले कंटेस्टेंट आते हैं ना हर प्रोग्राम में, उसके पास जीतने के और हारने के बड़े मौके होते हैं। जितने ही जीतने के होते उतने ही हारने के कैसे, जितने बड़े इनामात हैं वो भी पोटलियों में रखे हुए और जितने छोटे इनामात हैं वो भी कोई नहीं निकले अभी तक, तो बराबर की प्रोबेबिलिटी होती है छोटे और बड़े इनामों की। अब आपकी किस्मत है, मैं ज्यादा कुछ फोन आना शुरू हो गए, फोन आने पर मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा कैश ऑन। नहीं सर, जो भी प्रोग्राम देख रहा है इनके रिश्तेदारों में 2 लाख रुपए कैश दे रहा हूँ, साथ में एक बाइक दे रहा हूँ, अगर कोई इन्हें समझाना चाहे समझा सकता है। जी सर नहीं, आपको 2 लाख रुपए कम लग रहे हैं, 10 लाख से ऊपर की ऑफर पे सोचेंगे। ओ अच्छा, एक मिनट, कह रहे 10 लाख से ऊपर की ऑफर पे सोचेंगे, नाइस, ये ठीक है, मतलब कम की बात करनी नहीं है, तो फिर पोटली ले लो, पक्का? बिल्कुल, आइए फिर भाई, पोटली दे दूं इन्हें, वो देखो जरा मुंह में पान रखा हुआ है, मैंने पूछा कि पोटली दूं पिज्जा, यार पिज्जा से कौन खाता है भाई, पिज्जा क्रस्ट का पिज्जा उनको बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा है? एक बार पिज्जा क्रस्ट के लिए तालियां बजाएं आप, ये बात। 2 लाख रुपए साथ में डेंट पार्क के चौको एक्स की तरफ से बाइक दे रहा हूं, और लाओ मारोस ब्यूटी पार्लर की तरफ से एलईडी भी दूंगा, लेकर आओ। चलिए अब एक अदद एलईडी भी आ गई, मारोस ब्यूटी पार्लर की तरफ से एलईडी, डेंट पार्क के चौको एक्स की तरफ से एक बाइक और साथ में 2 लाख रुपए कैश। नहीं सर, बहुत सारे पिज्जे आते हैं 2 लाख रुपए में, पिज्जे इसमें 2 लाख में दूसरी जरूरियात कहाँ पूरी होती है? नहीं ऐसी, अब यार जितने भी पैसे दे रहा हूँ मैं आपको, कह रहे हैं इसमें जरूरियात पूरी नहीं होती है, जानवर नहीं आता है, 2 लाख रुपए तो आजकल। अच्छा एक मिनट, आप अभी यहाँ बैठे हुए थे, आपको तो पता भी नहीं था कि आपका नंबर निकल आएगा, फिर बस वही तो बात है, जब यहाँ अगर आपकी जगह कोई और आया हुआ होता तो आप कह रहे थे यार मेरा नंबर आ जाता, अगर मेरा नंबर आ जाता तो मैं तो 2 लाख रुपए भी ले लेता, ऐसा ही है। जो यहाँ लोग बैठे हुए होते ना मैं उनके दिल की बात जानता हूँ, या जो भी कंटेस्टेंट आता है ना उसको, यार काश मेरा नंबर निकल आता, अरे ले लो 2, अरे 4 ले लो मैं तो ले लेता, ऐसे ही सोच रहे होते ना आप लोग, देख लें आप ये सब यही सोच रहे होते हैं कि जितने पैसे मिले वो गनीमत है, क्योंकि ये तो आप ब्लाइंडली खेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है पोटली में क्या है, पोटली में अंडा निकल आया फिर क्या होगा। अच्छा बहुत सारे लोग बड़े कूल बन रहे होते हैं, अंडा निकल गया तो क्या हुआ, हम तोड़ के खा लेंगे, और यहाँ से रास्ते में रोते हुए जा रहे होते, लाओ ना फिर, लाओ भाई वीगो टेल के मोबाइल लाओ, किसे चाहिए? ये वीगो टेल कहाँ रह गए थे, मुझे रोज चाहिए वीगो टेल, वीगो टेल मेरे साथ मिलके बोलेंगे वीगो टेल, वीगो टेल छोड़ करके विगोटेल, और किसे चाहिए विगोटेल मोबाइल ले लीजिए, और किसे चाहिए, चोर 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 विगोटेल मोबाइल, और कौन है विगोटेल मोबाइल, और विगोटेल मोबाइल वापिस जाएंगे, ये लीजिए विगोटेल मोबाइल। चलिए बैक टू द पोटली, पाकिस्तानियों अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे विगोटेल भी है, बहुत सारी टी शर्ट भी है, पिज्जा भी दोबारा आएंगे, फिक्र ना करें, बस तालियां बजाएं जोर से, ये बात। जी कितने पैसे दे रहा था? 2 लाख। विगोटेल के आने की खुशी में आपको अब मैं 3 लाख रुपए कैश दूंगा, सही है? 3 लाख रुपए कैश, साथ में मारोस ब्यूटी पार्लर की तरफ से एक अदद एलईडी, टेन पार्क के चौको एक्स की तरफ से एक बाइक। सर ऑफर बढ़ाए यार, 30,000 रुपए से 3 लाख रुपए ऑफर कर दिए, ये बढ़ाया नहीं है तो और क्या किया? नहीं तो फिर पोटली के साथ जाएंगे, मैं तो चाहूंगा कि पोटली ले ले, मैं तो आपका फायदा कराने के चक्कर में वहां पोटली के पीछे लगे। किस किस को लगता है कि पोटली में इनका फायदा है? अब मैं चलो भैया, अच्छा
और किस किस को लगता है कि ऑफर में इनका फायदा है? ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, यहां वाले बोल रहे हैं कि पोर्टली में फायदा, यहां वाले बोल रहे हैं कि ऑफर में फायदा। इसलिए बेहतर यही है कि डिसीजन आप अपने दिमाग के हिसाब से करें, दिल की ना सुनिएगा इस पोर्टली के लिए। सही है, 3 लाख रुपए एक बाई की गैलरी कम है या सही है? ऑफर बढ़ाए सर, कम है, वरना आप पोर्टली ले लेंगे। बिल्कुल, चले यार आप भी क्या याद करेंगे, मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा, 4 लाख रुपए कैश दूंगा, साथ में दूंगा डैन पार्क के चौको एक्स की तरफ से बाइक, मारोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से एक अदद एलईडी। 4 लाख तो कैश आ ही रहा है आपके पास सर, ऑफर बढ़ाए, बढ़ाओ, लाओ भाई आज टेक की एलईडी भी लाओ इनके लिए। चलिए आप 2 एलईडी आ गई आपके पास, कौन कौन बोल रहे हैं भाई ले ले, जोर से बोले। अब सबको लग रहा है कि ये ऑफर अच्छी है, 4 लाख रुपए मारोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से एलईडी, आइसटेक की एलईडी, डैन पार्क के चौको एक्स की बाइक, और लाओ यार एआर एविएशन की तरफ से मैं आप दोनों को उम्रे के टिकट देता हूं, बल्कि पूरा पैकेज देता हूं यार, जाके उम्रा करके आए यार। चलिए भाभी अब आप मशवरा दे सकती हैं, अब बहुत सारी चीजें ऑफर भर दी है मैंने सर, पोर्टली के साथ जाएंगे। लाओ यार वीको टेल की तरह 2 मोबाइल लाओ, ये मैं आपको ऑफर में दे रहा हूं, 2 नहीं 4 लेकर आओ, 5 लेकर आओ, वीको टेल के 5 मोबाइल ऑफर में दे रहा हूं, साथ में एआर एविएशन की तरफ से 2 लोगों के लिए उम्रे का पैकेज, डैन पार्क के चौको एक्स की तरफ से बाइक, मारोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से बाइक, और आइसटेक की एलईडी विद 4 लाख कैश। बहुत काम आ सकते हैं आपके, मेरे ख्याल से सोचने से पहले आप लोग पिज्जा क्रस्ट का पिज्जा खा लें। क्या करना? पोटली भाभी आप भी पोटली है, ये बात। सर आपने बिठाए में क्या भाई, आपको मैंने बुलाया, आपको बोल नेटवर्क ने बुलाया ना, एक दफा बोल नेटवर्क के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। यहाँ आने का पूरा एक प्रोसेस है सर, यहाँ तक आ गए इंशाल्लाह चांस लेंगे पोर्टली के ऊपर, तो किस्मत लाई है आपको, आप तो आ गए, अब तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छा जीत के जाएं, इसीलिए इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ, आगे भी इंशाल्लाह आजमाते हैं किस्मत, किस्मत आजमाएंगे। बिल्कुल पक्का, बहुत दिन हो गए 4000 सीसी नहीं देखी है। अच्छा 4000 सीसी आई था, दिखाऊं मैं 4000 सीसी, 4000 सीसी, अरे अच्छा ये 4000 सीसी होती है, पार्किंग में खड़ी होंगी दिखा दो। अच्छा 4000 सीसी देखनी है आपको, ओके तो पहले बताते हैं यार, मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा, 6 लाख उठाइए, जी जी बिल्कुल मशवरा कीजिए, जैसे ही फोन आया मैंने 6 लाख रुपए कर दिए, 6 लाख रुपए पोटली खेल रहा हूँ, 6 लाख रुपए की ऑफर है, क्या करना है? ये बताया ऐसे रहे जैसे जिसने फोन किया उसको पता नहीं है क्या खेल रही है। सर पोटली के साथ जाएंगे, पोटली के साथ दोस्त नहीं मशहूर, ये जहीन आदमी कौन है जो कह रहे हैं आपके दोस्त नहीं है, मेरा सलाम कह दीजिएगा उन्हें भाई, सलाम कह रहे हैं, और कहना मैं वापसी में आके आपसे जरूर मिलूंगा, वो कह रहे हैं जरूर मिलूंगा मैं नहीं आप। ये हनी भाई ने मशवरा दिया है, मैं कौन से भाई ने, अली हनी 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 भाई, हनी भाई क्या कर रहे ले, हनी भाई ये क्या कर रहे हैं आप, 6 लाख रुपए एक दफा देखिए तो मैं और क्या क्या दे रहा हूँ, 2 लोगों के लिए उम्रे के पैकेज, 1 मारोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से एलईडी, 1 आइसटेक की एलईडी, और 1 डैन पार्क के चौको एक्स की बाइक भी, उसके अलावा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 वीगोटेल मोबाइल्स भी। सर ये बहुत अच्छी ऑफर है, ये बात बात करता हूँ, ये तो ऐसे शोर कर रहे हैं जैसे क्रिकेट मैच देखने आए हैं यहाँ पर। हाँ भाई मारो छक्का मारो चौके लगाओ। सर पोटली के साथ जाएंगे, क्रिकेट मैच से याद आया, वर्ल्ड कप के पहले दिन मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, याद है आपको मैंने क्या कहा था, जब सब कह रहे थे
कि नहीं नहीं ये तो क्वालिफाई नहीं करेंगे. न्यूजीलैंड फाइनल में आया या नहीं आया मेरे लिए बहुत सारी ताली हो जाए पहले. ठीक है, वो क्लिप पड़ा हुआ है. न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीत जाए मैं लाइव चलाऊंगा तुम लोगों को. सर इन दोनों टीमों को हमने मारा भी तो है. ये बात, पाकिस्तान ने दोनों टीमों को हराया हुआ है. ये बात यार, वैसे हम लोग डिजर्व करते थे सेमीफाइनल खेलना, हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन हमने सारी बड़ी टीम को हराया. हम भूल जाते हैं कि साउथ अफ्रीका भी एक बड़ी टीम थी. हमने तीन बड़ी टीम्स को हराया है. और जिस तरह से ये बांग्लादेश खेल रही थी शुरू में, वो भी एक बड़ी टीम की तरह ही खेल रही थी. इस बार का वर्ल्ड कप ऐसा नहीं हुआ कि यार ये तो वन साइडेड टीम है, ये इसको हरा देगा, ये इसको हरा देगा. नहीं, इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम किसी को हरा सकती. पाकिस्तानी टीम के लिए तालियां बजवाने यार, उनके लिए तो तालियां ही तालियां बजाए भाई. सर 11 पॉइंट लेके आए हम. बिल्कुल जी, 11 पॉइंट्स लेकर आए हैं. बड़ी बड़ी टीमों को हराया भी है हमने. अच्छा, पाकिस्तानी टीम ने तो हराया बड़ी बड़ी टीमों को. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ना हार जाइएगा. सर इंशाल्लाह किस्मत आजमाएंगे. 6 लाख रुपए नहीं चाहिए, ऑफर अच्छी होगी तो फिर. आपको अच्छी ऑफर चाहिए? अरे तो पहले बोलते चले, मैं आपको 8 लाख रुपए दूंगा. 8 लाख रुपए कैश दूंगा. डैन पार्क के चौको एक्स की तरफ से एक बाइक दूंगा. AR एविएशन की तरफ से 2 लोगों के लिए उम्रे के पैकेज दूंगा. 5 वीगोटेल मोबाइल दूंगा. मारोज ब्यूटी पार्लर की LED दूंगा. आइस टेक की LED दूंगा. क्या क्या दे दिया, मैं खुद थक गया बोल बोल. सर पोर्टली के साथ जाएंगे. मुझे वैसे ही थका रहे हैं आप. कह रहे हैं कि ऑफर अच्छी करें मैं ले लूंगा, मैं ऑफर बढ़ाया जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं पोर्टली. सर 10 लाख से ऊपर का कहा है. नहीं तो अगर उसके अंदर बॉल, एक मिनट, गलती से 10 लाख हो गए मेरे भाई. गौर से. अरे नहीं, बॉल नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ कि हो सकती है. अगर इसमें जो भी कुछ है, 6 नंबर पोर्टली में कोई बड़ा या छोटा इनाम, अगर कम पैसों का है बहुत, तो उसके लिहाज से ये पैसे और ये सामान बहुत है. आप सिर्फ ये सोचें, अगर इसमें जो सामान है वो इसकी एक आइस टैग की LED के बराबर अगर हो, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ सर, ये बताएं क्या कह रहे हैं. नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि कह रहे थे ना 10 लाख से ऊपर की ऑफर तो हो चुकी है अगर सारी चीजें देखें. हाँ ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर की ऑफर है. 8 लाख तो कैश दे रहा हूँ मैं आपको. फिर फोन आ रहा है यार, फोन बड़े आते हैं इनके पास. हनी भाई ने बोला होगा, हाँ भाई अब तुम ऐसा करो कि पोर्टली ले लेना. सर आपके विक्की भाई हैं. विक्की भाई को मेरा सलाम. जरा पूछे क्या कह रहे हैं विक्की भाई. विक्की भाई ने लाइन ही काट दी भाई, तो खतरनाक मोमेंट है. हाँ भाई अब किस किस को लग रहा है इन्हें मेरी ऑफर ले लेनी चाहिए. अच्छा और ऑफर तो मिलके बोलेंगे ले ले. दानिश भाई अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? हनी भाई की भी कॉल आ गई, विक्की भाई की भी आ गई. लकी यहाँ मौजूद है, सजाद भाई की रह गई बस. अभी लिया है ना विक्की भाई को, सलाम किया है ना उन्होंने. सर एक बार और विक्की भाई के लिए. विक्की भाई को अस्सलाम वालेकुम. विक्की भाई, सुनो भाई. वो गेम खेल ही नहीं, अपने पूरे खानदान से सलाम दुआ करवा रहे. भाई 8 लाख रुपए चले जाएंगे, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा. माइक में ऊपर करके बोल. पोर्टली के साथ आप? सर अब ये कह रही है तो फिर पोर्टली के साथ. अच्छा आपने सारी बात भाभी पे डाल दी कि अब इसमें कुछ भी. मैं तो कह रहा हूँ भाभी कह रही है पोर्टली. चले भाई आपका टाइम हो गया है पूरा, बहुत समझाने की कोशिश की. अच्छा नहीं एक मिनट, मैं आप लोगों को 10 लाख रुपए दूंगा. चलिए 10 लाख रुपए चाहिए थे ना उन्हें. अरे साइकिल कहाँ से लाऊंगा अभी मैं, साइकिल तो एंड में मिलती है ना बच्चों, एंड में दूंगा. सही है, चलें. आपने कहा था 10 लाख रुपए, अब मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं. 10 लाख रुपए, 5 वीगोटेल के मोबाइल, AR एविएशन की तरफ से 2 लोगों के लिए उम्रे के पैकेज, आइस टैग की LED, मारोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से LED, डैन पार्क के चौको एक्स की बाइक. ये मेरी फाइनल ऑफर है, इसके बाद आप अगर ऑफर कबूल करेंगे तो ऑफर, वरना फिर ये पोटली आपकी. आइए भाई जरा काउंट डाउन देते हैं. बोलिए सर पोर्टली के साथ जाएंगे इनके. पक्का? इनके जो ये जादू दिखाऊं आपको, दिखाऊं जादू. उस्मान काशिफ सबको गायब.
सारी चीजें गायब। अच्छा सारी चीजें जा रही होती ना तो इंसान का दिल कर रहा था अरे भाई ये तो रहने दो, अरे मेरा पीछा तो छोड़ दो, ये तो सब गया। इंशाल्लाह इसमें 13 तो जीत गई, 4000 की तो 13 एक ही डिसाइड करें, अभी आप 4000 कह रहे थे अभी 1300, इन दो में से तो कुछ ना कुछ एक चीज है आपको लग रहा है। बिल्कुल है, अभी आपके होश उड़ाता हूँ मैं, पाकिस्तानियों इनके होश उड़ाऊं या 4000 सीसी दे के होश उड़ाऊं? आप कह रहे हैं मैं इनको बॉल दे दूं, पाकिस्तानियों क्या है पोटली में? इन्वर्टर है? अच्छा अच्छा भाई, कौन कौन कह रहे हैं अंडा है? जरा खड़ा हो जाए जिस जिसको लग रहा है अंडा था। अच्छा आप सबको लग रहा है इसमें अंडा है, चले अंडा तो नहीं है। कौन कह रहा है यूपीएस? बेटे घर में लाइट जा रही है आजकल, और क्या क्या हो सकता है यारी? यार क्या कर रहे हैं आप, 10 लाख रुपए मैं कभी नहीं छोड़ता, ना मैं छोड़ता, ना लकी छोड़ता, ना शहरी छोड़ता। सर मिसेस इसरार कर रही है पोटली के साथ, और मेरी टीम आपस में बांट लेती, वो तो पूछती नहीं किसी से, हाँ भाई 10 तेरे 50 तेरे 25, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। हंस रहे हैं वो लोग देखे, खुश हैं। बताइए 10 लाख रुपए वो सारी चीजें या फिर ये गाड़ी? नहीं मेरा मतलब है कि या अरे एक मिनट यार सॉरी, निकल गई। ये चाहिए या आपको 10 लाख रुपए चाहिए? सर मिसिस के फैसले के साथ जाएंगे पोटली, अब इंशाल्लाह फाइनल फाइनल पोटली। अब तो मेरे मुंह से निकल भी गया यार, अब क्या फायदा। आपको बहुत बहुत मुबारक, बेडरूम सेट। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा इसको हनी ने ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में उसके बादल ही थे वो कहता रहा मगर। और कितना समझाते भाई, अब मेरी तरफ से हनी भाई के माथे पे एक चुम्मी लीजिएगा जाके। नहीं आप लोगों को क्या लगता है ये मेरी जुबान भी चलती है बार बार हैं, आप लोगों ने बेवकूफ समझा मुझे? बहुत सारी ताली होनी चाहिए इनके लिए। आइए भाई नेक्स्ट पोटली खेलने कौन आ रहा है? क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो? आप आएंगी? हाँ भाई कौन आएगा? शोर आएगा तो वो आता है, आप भी आएंगे? यार तुम इतने छोटे हो कैसे खेलोगे पोटली? और कौन आएगा? फैमिली के साथ कौन कौन आया है? आप सब फैमिली के साथ आए? और कौन है फैमिली? आप भी फैमिली के साथ आए? पीछे कौन आया फैमिली के साथ? आप लोग फैमिली के साथ आप भी आए? अच्छा सही, बैठे बैठे मैं तो पूछ रहा हूँ कि कौन कौन आया, तशरीफ रखिए प्लीज। चलिए भाई जल्दी जल्दी अपने अपने कूपन्स निकालिए, देखता हूँ किस्मत किसका इंतजार कर रही है यहाँ मेरे साथ खेलने। जनाब नंबर है GS185185। आप कौन है? आप है, आइए जल्दी से। उस्मान चेक करो बेटा, लाए भाई क्वेश्चन लाइए। तुम क्वेश्चन याद कर रही हो खड़ी, क्या कर रही थी? अच्छा लाहौर मोटरवे सिटी की तरफ से मोबाइल फोन दूंगा जवाब देने पर। दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट कहां वाके है? माउंट एवरेस्ट कहां वाके है? भाई दे पाकिस्तान, गलत जवाब। माउंट एवरेस्ट कहां वाके है? मैं पूछ रहा हूं कि दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट कहां वाके है? ये देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ वाके है? अली से अंकल को माइक दे जल्दी से। नेपाल। नेपाल में बिल्कुल सही जवाब, लाहौर मोटरवे सिटी की तरफ से मोबाइल फोन। ये बात जरा ये बताए मुझे कोई, हमारा कौमी खेल क्या है?
ये तो सबको पता ही, सवाल तो हो नहीं सकता। सवाल ये है, पाकिस्तानी हॉकी टीम के मौजूदा कैप्टन का नाम बताएं, बताएं। अजय हॉकी के सर ना, सॉरी यही तो। हाँ जी, हमारा कौमी खेल है हॉकी, पाकिस्तानी हॉकी टीम के मौजूदा कैप्टन का नाम क्या है, जो करंट कैप्टन है अभी हमारी टीम के, किसी को पता है? माइक दे भाई को, ये आगे आगे आगे, गूगल कर लिया? सही से करो ना, सही से गूगल करो, नहीं आ रहा सही तरह आंसर, गलत गलत जवाब बता रहा है गूगल तुम्हें। माइक दे अंकल को जल्दी से, गूगल गलत जवाब बता रहा है बच्चों। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान सीनियर सही जवाब, लोहर मोटरवे सिटी की तरफ से मोबाइल फोन और लोहर मोटरवे का गिफ्ट हैम्पर भी साथ जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला कौन सा खेल है? दुनिया में फातिमा जल्दी से माइक में बताइए। फुटबॉल है, फुटबॉल। मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल, बिल्कुल सही जवाब। लाहौर बॉर्डर सिटी की तरफ से मोबाइल फोन। जी क्या चाहिए आपको? आपसे पूछ नहीं रहा, चले इसका नाम बताइए। उस जानवर का नाम बताएं जिसके सींग हर साल झड़ने के बाद दोबारा निकलते हैं, बताइए। उस जानवर का नाम जिसके सींग हर साल दोबारा झड़ने के बाद दोबारा निकलते हैं। जी जल्दी से, क्या? बियर, डियर या डियर कह रही आप? माइक में बोली, बताइए जरा एक मिनट। पहले क्या बोला था आपने? हाँ जल्दी से एक जवाब दे दो। डियर, डियर। बियर नहीं, एक बोले ना, बियर या डियर? माइक दे। अरे आप अभी तो मैं कह रहा हूं भाई, उस जानवर का नाम बताएं जिसके सींग हर साल झड़ने के बाद दोबारा निकल आते। डियर है ना, फिर सोच ले। डियर सही जवाब, हिरन। लाहौर मोटरवे सिटी की तरफ से मोबाइल और गिफ्ट हैम्पर साथ जाएगा। बैक टू द पोर्टली, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद समीर खान। मोहम्मद समीर, आपका नाम क्या है? सदफ। सदफ और समीर, बच्चों के नाम क्या है? जैनब। जैनब और मोमिना। मोमिना और जैनब। अच्छा भाई, समीर पढ़ रहे हो आप? नहीं। पढ़ लिया है? नहीं, काम करते हैं। क्या काम करते हो? चूड़ियों का काम है। ओहो, चूड़ियों का। तो शर्माने की क्या बात है इसमें? ऐसा लगा मैं तुम्हारा रिश्ता लेने आया हूँ यार। मैंने कहा चूड़ियों का क्यों कर रहा? अरे सही है यार, हर काम बहुत अच्छा है, किसी काम को करने में कबाहत नहीं करनी चाहिए, सही है? पूरी मेहनत से करना चाहिए हर काम, कोई भी जिंदगी में काम मिले। अच्छा, तो ईद से 10 दिन पहले तो बड़ी रौनक लगती होगी, तुम हंस क्यों रहे हो मुझे ये बताओ जरा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही भाई? अच्छा, और आप क्या करती है? हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ है। अच्छा भाई समीर, अब लकीली, अच्छा आप दोनों पहले माइक करीब कर लें। अब लकीली आप सब लोग यहाँ आ तो गए हैं, सही है? मैं चाहूंगा कि मेरी बात भी सुने और अपनी किस्मत भी आजमाए। क्या करेंगे आप लोग? किस्मत आजमाएंगे, मेरी बात सुनेंगे? दोनों करेंगे। दोनों कैसे कर सकते हैं? कोई एक काम हो सकता है? मतलब देखेंगे जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। आप सोचेंगे मेरी ऑफर के बारे में भी ना? जी। आइए जल्दी से, पोटली लेकर आते हैं, जो भी आपको एक पोटली लगे कि आपकी किस्मत बदल सकती है। अच्छा। आप जाके घर से ला सकते हैं। बोल जा सिमसिम। ओहो, बोल जा सिमसिम। कोई भी एक पोटली जो आपकी किस्मत बदल सकती है आप लेकर आ सकते हैं। अरे दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजा बंद हो रहा है। किसी दिन मुझे लग रहा है मैं असली में जिन छोड़ दूं। अच्छा भाई, इन्होंने अपने लिए चूज की है पोटली नंबर 9। अब बताओ कि 9 नंबर किसका लकी नंबर है? अरे बेटे आप हर बात में चीख मार देते हो, अम्मी ने ये बोला कि यहाँ पर आके चीखे मारनी है। आप सिखा के लाइए ना इसे। नहीं, अच्छा 9 नंबर किसका लकी नंबर है भाई? 1, 2। अच्छा, तो आप दोनों को क्या लगता है कि इस पोटली में क्या है? क्या है? गाड़ी है? क्या है इसमें? गाड़ी है या क्या है? गाड़ी है। देखूं मैं क्या है इसमें?
चलिए भाई, वो एक भाई बैठे उनका लकी नंबर, उन्होंने भी बोला गाड़ी है, या अंकल बोल रहे हैं कि इसमें गाड़ी है। अच्छा कहाँ है? नहीं लाए भाई, जरा पिज्जा क्रस्ट का पिज्जा तो लाइए। आप पिज्जा खाइए और खाते खाते मेरे साथ खेलिएगा, सही है? इसमें जो कुछ भी है नंबर 9 में, वो भाई बोल रहे गाड़ी है, अंकल ने बोला गाड़ी है, दो लोग बोल रहे हैं गाड़ी है। मैं आपको पहली ऑफर देने लगा हूँ, सोच समझ के खेलिएगा। मैं आपको पहली ऑफर दूंगा 3 लाख रुपए की। नहीं no. नहीं, 3 लाख रुपए नहीं चाहिए? ये क्या बात हुई अभी तो आए, इतनी अच्छी मैंने ऑफर दी है। मैं 3 लाख रुपए की ऑफर बहुत रेयरली करता हूँ। क्या लगता है क्या है पोटली में? गाड़ी लग रही है। और किस किस को लग रहा है गाड़ी है? क्या है अंकल, गाड़ी है या कोई छोटा इनाम है? यूपीएस। घर में लाइट बहुत जा रही है, वैसे नहीं जा रही है। हाँ मोबाइल है, हमारा प्रोग्राम बड़े गौर से देखा है आपने, इसका मतलब है। हाँ भाई क्या है, क्या है? अच्छा एक मिनट, बाकी सारे लोग खेल रहे हैं, जो दो भाई हैं ना ये सिर्फ अपने शॉर्ट देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देखिए, आप लोगों को अपने आप को देखना है, तालियां बजाएं। अब आएंगे आप, देखिए आ रहे हैं आप लोग, जब मैं बात कर रहा हूँ तब कोई नहीं आएगा, तालियां बजाएंगे तो आप लोग आएंगे। रात को जाके रिपीट में देखिएगा आप लोग कौन कौन आ रहा है, वो जब से मैं करीब आता हूँ यूँ देख रहे होते। मैं कहा 3 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है क्या है पोटली में? गाड़ी। अगर नहीं है तो? वो भी सकती है। हो तो सकती है, अगर नहीं है तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी में ना खेलना। अगर गाड़ी नहीं है तो फिर? तो फिर अभी तो खेलेंगे और बढ़ाएं फिर ऑफर, किस्मत है। देखिए मैंने पहली ऑफर ही ऐसी की है कि शायद मैं ना बढ़ा पाऊं ऑफर, फिर किस्मत आजमाएंगे, पोटली के साथ जाएंगे। अभी तो आपने इतनी बढ़ाई थी। अरे यार छोटू के लिए जरा डैन पार्क की चॉकलेट लाओ, डैन पार्क के चोको एक्स की चॉकलेट है, मोमिना नाम है, मोमिना के लिए। थैंक यू। लाओ यार डैन पार्क के चोको एक्स की बाइक भी दो इन्हें। तुम्हारी उम्र कितनी है? 70 ईयर, 17 साल। 17। ये बाइक तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे बड़े भाई के लिए, या जो वालिद साहब है उनके लिए, सही है? तुम्हें ना चलाते हुए देखूं मैं कभी? वालिद साहब नहीं है। जब तक 18 का नहीं हो जाता भाई कोई बाइक नहीं चलाएगा, सही है? नहीं है मेरे पास भाई। तुम बाइक चलाते छुप छुप के? बाइक पे आया हूं। है जी। यार देखो हेलमेट पहनते हो भाई? नहीं हेलमेट नहीं। कितने अच्छे काम करते हो, हेलमेट भी नहीं पहनते। जो जो लोग बाइक चलाते हैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, हेलमेट जरूर पहना कीजिए, आपकी सेफ्टी के लिए होता है। और देखिए लड़कों मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे अच्छे हेलमेट भी आते हैं यार, हेलमेट लगा के ना आप ज्यादा कूल भी लगते हो, तो हेलमेट जरूर पहना कीजिए, सही है? चलिए और तुम भी घर जाके हेलमेट लेना। 3 लाख रुपए, डैन पार्क के चोको एक्स की तरफ से एक बाइक, कैसी ऑफर है ये? नहीं पोटली, पोटली के साथ जाओगे? लाओ यार आज तक की एलईडी लाओ, अभी देखते ना क्या है इसमें। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि पोटली में क्या है। हाँ बेडरूम सेट तो निकल गया। हाँ लेकिन बॉल भी नहीं निकली, अंडा भी नहीं निकला, यूपीएस भी नहीं निकला, 4000 सीसी भी नहीं निकली। नाम ले रहा हूँ मैं, 4000 सीसी भी नहीं निकली है, ये सारी चीजें नहीं निकली है। 3 लाख रुपए चलो छोड़ो यार, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए कैश दूंगा। सोच समझ के टाइम है कम एंड टाइम इज रनिंग आउट। शायद तुम्हारे पास 2 मिनट हैं अपनी किस्मत को आजमाने के। नहीं भाई, ऐसा तो ना हो तो कुछ। अरे 4 लाख कर दी, मैं लड़ना शुरू होगा। कम है ना बेटा, देखो इट्स नॉट बिटवीन मी एंड यू, इट्स ऑल अबाउट दिस पोटली, सही है? इस पोटली में जो कुछ है मैं उसके हिसाब से खेल रहा हूँ आपके साथ। कुछ तो अच्छा होगा ना? पता नहीं अच्छा है कि आउट। क्या लगता है क्या चीज है खाने वाली? आप वहां से आगे आगे बैठ गए, अच्छा यहीं बैठे हुए थे, सीट से आगे होके बैठ गए आप।
बजाए भाई कोई गाना तो बजाए। चलो भाई गाना बूझो, 1,00,000 रुपए और बढ़ा दूंगा। चलो अच्छा बजाए भाई। नहीं नहीं नहीं। ए मेरे हम सफर गाओगे कोई? ए मेरे सही से गाइए दोनों। ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। क्या आप थोड़ा माइक करीब करके गाए वो ये कह रहे? अच्छा चलिए अब तो गा लिया ना। गा लिया चले भाई पहले ताली हो जाए बहुत सारी इनके साथ। गाना इन्होंने सही पूछा आपको सही बताया जी। अब मैं आपको 1,00,000 रुपए बढ़ा दिए हैं, 5,00,000 रुपए कैश दूंगा गाने की वजह से। 1,00,000 रुपए बढ़ाए ना मैंने कहा था गाना बूझिए 1,00,000 रुपए बढ़ा दूंगा, वो मैंने बढ़ा दिया। आपने गाना सही पूछा तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। अरे डील के अलावा 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ ऑफर के अलावा आपको। यार लाओ यार, हे लाओ यार, इनके लिए वीगो टेल का मोबाइल लाओ यार, लाओ एक मोबाइल ले आओ। नहीं नहीं ये वैसे दिया मैंने, एक ले आओ ये लीजिए, ये आपके लिए है वीगो टेल का मोबाइल, ये ऑफर के अलावा है। सही है एक मेरे लिए भी हो ना। तुमने गाना गाया अब क्या है ए मेरे पांच लाख रुपए कैश, डैन पार्क के चौको एक्स की बाइक, एक आइसटैग की एलईडी। ये बहुत अच्छी ऑफर है, नहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़े जो कि मैं नहीं चाहूंगा। सोच समझ के पोर्टी के साथ जाएंगे जी। मैं 7,00,000 रुपए कैश दूंगा दोनों को। चलिए मैं 7,00,000 रुपए कैश दूंगा तुम्हारे पास सोचने के लिए 5 मिनट है, अच्छे से सोच लो, पता नहीं ये मौका फिर जिंदगी में कभी तुम्हें मिले या ना मिले। एक पोर्टली में निकल चुका है 10 मिनट में 7,00,000 रुपए के मालिक बन चुके हो, साथ में डैन पार्क की चौको एक्स की बाइक है, आइसटैग की एलईडी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आने के बाद यही से कंटिन्यू करूंगा और बहुत सारे मजे मजे के गेम्स भी बाकी है, सब मिलके खेलेंगे और मिलके बोलेंगे गेम शो। गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, एक नया अंदाज मिलेगा, खुशियों का हर राज खुलेगा, रास्ता जो सबके साथ चलेगा। जाने से पहले कितने की ऑफर देके जा रहा था? 7,00,000। 7,00,000 की कर दी थी मैंने ऑफर जी, बोल तो ज्यादा हो गई यार। 7,00,000 रुपए, साथ में डैन पार्क के चौको एक्स की तरफ से एक बाइक और आइसटैग की एलईडी भी। ये नहीं बताया आप लोगों ने ऑफर में, ये भी दिया था, ये भी दिया है ना जी। अब सोच लीजिए, आप थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। ला यार मारोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से एक एलईडी भी दो। अब आप वाकई सोच लीजिए, अब शायद मैं ऑफर मजीद ना बढ़ाऊं। अब या तो मेरी ऑफर ले लीजिए या आपके सामने ये पोटली रखी है, ये पोटली ले लीजिए। पोटली अच्छा ही होगा ना हमारा तो। हमें क्या पता, हम तो यहाँ खेलने आए, हमें क्या पता पोटली में आपके लिए अच्छा है या बुरा है, कोई छोटा इनाम है या कोई बड़ा इनाम है, हमें तो नहीं पता ना ये बात। आपकी किस्मत बताएगी आपको अभी थोड़ी देर में। मैं आपको हेल्प आउट कर सकता था, मैं आपको 7,00,000 रुपए दे रहा हूँ इस पोटली के लिए, मतलब नंबर 9 पोटली के लिए मैं आपको 7,00,000 रुपए दे। नंबर 9 भाई, अब ये अब मैं आपको ये थोड़ी बता सकता हूँ कि इसमें क्या है। दोनों मिल जाए तो फिर आँख खुल जाएगी। अरे ख्वाब था चला गया। पोटली के साथ जाएंगे हैं? पोटली के साथ जी। फाइनल जी। 7,00,000 रुपए नहीं चाहिए? चले भाई आइए जरा काउंट डाउन देते हैं, आइए जरा। रुके तो सारी रुके 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 रुके
तेज रुके भाई रुके इतनी तेज कर दी आप लोगों ने खत्म टाइम खत्म नहीं भाई खत्म भाई ऑफर बढ़ाए ऑफर बढ़ाए ऑफर बढ़ाए ऑफर मैंने खत्म कर दी यहाँ पे 7 लाख रुपए साथ में 2 LEDs एक बाइक ये मेरी फाइनल ऑफर है ऑफर ऑफर मैं यही देता हूँ बोलिए आपको नहीं भाई ऑफर भाई अब क्या क्या हम खेलने ही आए ना लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास वो टाइम आपका हो गया खत्म पाकिस्तानियों आपका टाइम खा रहे हैं ये लोग ये आपका टाइम खत्म कर देंगे क्या करूं पोटली खोल के दे दूं इन्हें ऑफर बोल रहा है ऑफर दे दूं ऑफर 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 बोल दिया ऑफर हां ऑफर ऑफर के साथ जाएंगे जी 7 लाख रुपए मारोज ब्यूटी पार्लर की एलईडी आइसटेक की एलईडी और डैन पार्क के चौको एक्स की बाइक है ऑफर में जी ऑफर के साथ जाएंगे बहुत सारी तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए मेरी बातों में आने का बहुत शुक्रिया अरे भाई तुम तो उतरो पहले हाँ दुख गया आपका अच्छा तो मैं क्या कह रहा था 7 लाख रुपए और ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत मुबारक ये वो चीजें थी जो आपकी किस्मत में थी आपको मिल गई अब मैं आपको बताऊंगा जो आपकी किस्मत में नहीं था और आपने छोड़ दिया मैं कहाँ डरा रहा हूँ भाई ऑफर कबूल कर ली ना आप लोगों के सामने इन्होंने तो अब जो पोटली में है वो बोल नेटवर्क का हो गया सही है आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पोटली छोड़ के इन्होंने मेरी ऑफर कबूल की है तो ये कितना अकलमंदाना फैसला था ओ आप डरा रहे अरे मैं क्यों डराऊंगा मेरी बहन ये तो अभी पता चलेगा ना कि गाड़ी है या फिर एक अदद यूपीएस था वैसे मैं सच्ची बात बताऊं आपको सच्ची बात बताऊं अकलमंदाना फैसला है आप लोगों का पोटली के साथ जाना तो बिल्कुल ब्लाइंडली था आपने देखा ही नहीं पोटली में क्या है 7 लाख रुपए तो आपने कमा लिए यहाँ पर 20-25 मिनट में 7 लाख रुपए के मालिक बन गए साथ में ये सारी चीजें भी लेकिन अगर आप मेरी बातों में नहीं आते तो अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनते फिर आप लोग कैसे आए यहाँ पे बाइक से तो बाइक पर आते और 1300 cc में जाते खाली हाथ जाने से बेहतर है ना हम तो ऐसे ही ये वही बात हो गई ना मैंने बताया था ना आपको जिन लोगों का अंडा भी निकला था ना कोई बात ही खा लेंगे फिर यहाँ से जा रहे होते इन सब के लिए बहुत सारी ताली हो जाए पहले अब नेक्स्ट गेम का नाम है सुर संभाल के मुझे चाहिए 8 अच्छे सिंगर्स 4 मेल 4 फीमेल जीतने वाले को डैन पार्क के चोको एक्स की तरफ से बाइक दूंगा गाना कौन सुनाएगा गाना गाती है आप आइए एक अरे गाना गाना गाती है आप आइए फिर जल्दी से और कौन सुनाएगा गाना आइए सलवार कमीज भाई आओ तुम भी गाते हो गाना आओ नहीं नहीं आप नहीं आप पीछे बोल रहा था मैं और कौन गाता है गाना आप गाती हैं आइए अरे आप थोड़ी गाएंगी गाना नहीं वो मैंने उनको बुला लिया आपकी फैमिली में से एक आ गई है 1 2 3 व्हाइट टी शर्ट ड्रीम चेजर आ जाओ आप आओ नहीं आप दोनों वापस बाकी वापस आप आइए एक दो तीन चार ये भाई आ रहे हैं 5 6 2 और 2 और बड़ी बड़ी मूछों वाले भाई आ जाए एक और आप गाना गाती हैं ऐसे ही गाती हैं आप गा लेती हैं अच्छा गाना नहीं गाती अच्छा बेटा आप लोग आप बहुत यंग हो गाना आता है आओ आ जाओ 1 2 3 4 1 2 3 और मैंने किसी को बुलाया है ना भी वो आ गए भाई मूछों वाले बस ओ तो कोई नहीं है आ जाइए चलो आ जाओ चले भाई आइए पहले कौन है हमारे साथ आइए आइए टेस्ट आ गया आपका जी अस्सलाम वालेकुम माइक में बोले वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका बिनिश बिनिश क्या सुना रही हैं आप सॉन्ग कौन सा आतिफ असलम सॉन्ग का नाम है जी सॉन्ग
सॉन्ग सुना रहे हैं। कौन सा? कैसे जियूंगा कैसे, कैसे जैसे सब जी रहे वैसे ही जिएंगे। अच्छा ये गाने का नाम है जी, तो थोड़ा आगे आइए ना यहाँ पर। रेडी गो। कैसे जीऊंगी कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहाँ ले चलूं मैं वहाँ, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आँखों में मैं खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। आइए नेक्स्ट कौन है? बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, मैंने सुनाना है गाना मैंने। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। माइक में माइक करीब कीजिए। क्या नाम है आपका? लियोन। लियोन, या लियोन, क्या सुनाएंगे? कुछ इस तरह। कुछ इस तरह, किस तरह? असलम आतिफ असलम का जो है कुछ इस तरह। कुछ इस तरह आतिफ असलम का गाना जो है, क्या गाना है? कुछ इस तरह। कुछ इस तरह है क्या, आगे क्या करना है? कुछ इस तरह क्या करें? चलो रिलैक्स करो यार। कुछ इस तरह आतिफ असलम, रेडी गो। तुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा सिजदा। सुन मेरी गुजारिश, मुझे गम से मिट। किससे मिला दे? That's it. Thank you. Thank you. I'm confused a little bit. No problem. No problem. आइए जी नेक्स्ट कौन है? Assalamualaikum. आप पहले आगे लाइट में आ जाए, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? सनोबर आसिफ। सनोबर, क्या सुनाएंगे? आज मैं अपने शौहर को एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। बेहतरीन। मुझे रात दिन तुम्हारा इंतजार है। मुझे रात दिन मुझे अच्छा। मुझे रात दिन बस मुझे ही चाहते हो, ये वाला गाना ना जी। रेडी गो। हे ला ला ला, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी कथा है, आँखों क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी कथा है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, तुम्हें लकी यार अंतरा थोड़ा सा एक दफा जरा सुनिएगा प्लीज, सुने मेरा गाना है थोड़ा सा सुने। हमारे जजेस ने बोल दिया बात खत्म हो गई। आइए अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको आइए प्लीज जरा सुनाइए लकी अंतरा थोड़ा सा यार। मुझे नींद आएगी अब ना तेरे बिन, मुझे है यकीन एक दिन खुली तेरी जुल्फों में सोया रहूंगा, तेरे ही ख्यालों में खोया रहूंगा, मुझी और से सब गाते हैं तो क्या बात है। शरारत नहीं है तो फिर और क्या है, हाँ मुझे। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए पूरी टीम के लिए। आइए भाई नेक्स्ट कौन है?
वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? माइक दीजिए, माइक दीजिए, आइए। क्या नाम है आपका? मुख्तियार हुसैन। मुख्तियार साहब, क्या सुना रहे हैं आज? जी मैं सॉन्ग सुनाऊंगा। कौन सा? दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। एक मिनट मुख्तियार साहब जी, किससे हो गया? मेरी वाइफ से हो गया है। आज कहाँ हैं? वो बैठी हैं। भाभी आपके लिए गाना गा रही है, सही है? चलिए जी, रेडी गो। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्म में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा था माइक में, बहुत सारी बातें तो ठीक है किसी को किसी से प्यार हो जाए, ये जूली कौन है? यही है मेरी जूली, मेरी वाइफ। यार बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई के लिए। आए भाई, वालेकुम अस्सलाम, आ गया बेटा। क्या नाम है? सबा। सबा, सबा कौन सी क्लास में हो? प्री ओ लेवल। ऑल राइट, क्या सुना रही हो? क्या हुआ तेरा वादा। कब वादा किया किसी ने? अरे ये गाने का नाम है। अच्छा, क्या हुआ तेरा वादा, रफी साहब का गाना है जी। रेडी गो। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। बेटे ये कैसा वादा था? थैंक यू। जजेस बताएंगे मेरे अच्छे या बुरा लगने से कोई फायदा नहीं। आ जाओ, आए नेक्स्ट। ड्रीम चेजर, ख्वाबों के पीछे भागते हुए, भाई का नाम क्या है? अकबर। अकबर माइक। अकबर, अकबर क्या सुना रहे हो? सजाद अली सॉन्ग। सजाद अली सॉन्ग। साहिल पे खड़े हैं। तो साहिल पे खड़े है ना सॉन्ग का नाम? सजाद अली साहब का सॉन्ग है साहिल पे खड़े। जी पक्का जी। इजाजत ले लें, यहाँ लकी भाई बैठे हुए, वो शुरू में तो स्माइल करके देखते हैं, देखो यूं, ये देखो ऐसे देखेंगे, जैसे जैसे सुर जाएंगे ना तो यूं होंगे वो। अच्छा मैं क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो गाने के शौकीन होते हैं, गाना चाहते हैं, मैं आम लोगों को नहीं कहता, आम लोग जो है वो कह सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना, किशोर कुमार का गाना सुना, सज्जाद अली का गाना सुना, लेकिन जो गाने से जुड़ जाता है ना वो जरा अगर एहतराम करें ना कि मैं सज्जाद भाई का गाना सुनाना चाहता हूँ तो अच्छा लगता है ज़रा। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे आके गाना ही बहुत मुश्किल है, हम तो चले एक्टर्स हैं सिंगर्स हैं यहाँ पर, हम लोग तो यूज़ टू हैं, हम लोगों का तो रोज़ाना ताल्लुक रहता है काफ़ी सारे लोगों के साथ, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो फर्स्ट टाइम यहाँ आके गाना कहता है मैं हाँ सुनाऊंगा, उसको आता है नहीं आता, यही बहुत बड़ी बात है कि यह स्टेज पे आप लोगों के सामने आके आपको एंटरटेन कर रहा है। बहुत सारी तालियां हो जाए सबके लिए। चलो भाई रेडी गो। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, इंतजार कर लूंगा कोई मसला नहीं, थैंक यू। आ जाओ यार नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है, आगे आइएगा। मेरी जुनैद। मेरी थोड़ा सा आगे आइएगा, क्या सुना रही है मेरी? माइक थोड़ा करीब कीजिएगा जी। जब कोई बात बिगड़ जाए तो क्या होता है? मंदा मना ले जाके। जी हाँ बिल्कुल, चलें भाई गाने से मना। रेडी गो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हो हम नवा
हो चांदनी जब तक रात, हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। बेहतरीन, आइए जी, आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम, आपका तो इंतजार कर रहा था मैं भाई। क्या नाम है? कामरान अब्बास। कामरान, सब छोड़ो यार, ये मूछे कैसे बनाई इतनी बड़ी यार, क्या बात है यार, मजे की मूछे यार, शूट भी कर रही है भाई पे। मूछे हो तो कामरान भाई जैसी हो, वरना मूछे हो तो कामरान भाई जैसी। कामरान क्या सुना रहे? वैसे तो कुछ नहीं, बस वो घर वालों ने फरमाइश करी तो हम गया। तो घर वालों ने क्या फरमाइश कर दी? घर वालों ने फरमाइश ये करी कि दानिश भाई के साथ खड़े हो गए, यही बहुत है। कहा है घर वाले? भाई आप लोगों ने भेजा है ना इन्हें, कौन सा गाना सुना है ये लोग बताएं, आप बताइए कौन सा गाना सुना है ये है। अच्छा, जो मैं कहूंगा वो, चलो मैं सुना, चलो मेरे साथ सुना दो, धड़कन फिल्म का। नहीं गाना सुना है ना यार, गाने के गाना ही है। तो गाना सुनाइए कौन सा? धड़कन। कौन सा गाना? कौन सा गाना? दिल ने ये कहा है तुमसे, दिल ने ये कहा, दीवानों सा हाल हुआ, दीवानों सा हाल हुआ, इसलिए मुझे बढ़ाइए। चलो भाई रेडी गो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ, अब न किसी से डरना है, है? बस इतना ये कहना है। ओ भाई इन मुझे से कुछ सब डर जाएंगे, कोई आप क्या कह रहे हो, उल्टी बात कह रहे हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में हो जाओ। शुक्रिया, थैंक यू जी। आइए नेक्स्ट, कौन है आज की लास्ट सिंगर? अस्सलाम वालेकुम, आगे आइएगा। क्या नाम है आपका? सदफ। सदफ क्या सुनाएंगे? सॉन्ग। कौन सा? अपनी पसंद का। बताइए ना कौन सा, सबसे आखिर में आपकी बारी आई, आपने याद ही नहीं किया कौन सा गाना। तुम चैन हो। हाँ। अच्छा जी, रेडी गाइस, रेडी गो। तुम चैन हो, इकरार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, जिसका किया बरसों मैंने इंतजार, तुम वही इंतजार हो, तुम चैन हो। मैं क्या कह रहा था कि वो ये गाना हमने सुना नहीं है, इसलिए पता नहीं है कौन सा गाना, कोई दूसरा गाना जो सबने सुना हो और जो लोरी की तरह ना हो। हाँ जी बताइए, कोई भी दूसरा गाना। नींद आने लगती है। मस्त मलंग चकीता। मस्त मलंग चकीता ही। चकीता ही। रेडी गो। मस्त मलंग चकीता ही, साड़ा दिल तंग चकीता ही। बस रहने दे, छोड़े। आए भाई सारे सिंगर आ जाइए, एक ही कहता है। आइए आइए जल्दी से आ जाइए, देखते हैं भाई के डैन पार्क के चोको एक्स की तरफ से जो बाइक है आज वो कौन जीत के जाता है। डिसाइड करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड जजेस कि आज सुर और ताल में कौन पूरा उतरा है, किसकी आवाज ज्यादा बेहतर थी। ओवर टू यू गाइस, बताइए भाई। देखो वो खुद ही कह रही है सबसे अच्छा उसने कहा, गुड, ये अच्छी बात। सबसे अच्छा उन्होंने कहा, जब कोई बात बिगड़ जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आइए बाइक पे, आप किसके साथ आइए? नहीं कोई मेल है आप? आइए बैठिए मेरे साथ। वफादारी की वो कसमें, एक मिनट इनको तो बिठा दो, चलिए क्या बात है यार। चलो वाँ वाँ वाँ। ये लीजिए आपका घर आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ भाई नेक्स्ट गेम खेलने कौन आ रहा है मेरे साथ? गोल गोल
चक्कर पे चक्कर कौन आएगा? छोटे हो बहुत, आप आइए सलवार कमीज वाले भाई। एक चक्कर पे चक्कर जीतने वाले को बाइक दूंगा। दो व्हाइट शर्ट, आपने 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 वो पीछे। और कौन आएगा? जीतने वाले को बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक दूंगा। आओ तीन, दो और, दो और, आपका गेम नहीं है। और कौन आएगा? आप आओगे ब्लू सलवार कमीज, ब्लू सलवार कमीज। एक और व्हाइट सलवार कमीज वाले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पांच हो गए, एक और आइए ना यार, आपका ही तो इंतजार था, जल्दी आइए। आओ भैया आओ, जल्दी आओ, आइए आइए आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए। एक दो तीन भाई आ गए, चार पांच, बस बहुत है। एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल बिल्कुल बुला लो इनको, बस आ जाए, मैं जल्दी आ जाए। काशे बाजो बेटा, काम आया, जरा काम तो सिखाओ इन लोगों को। आगे आइए, देख लीजिए एक दफा समझाऊंगा ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। आ गया आ गया आ गया। ये बेसबॉल का बैट, ये एक जगह जहां आपने रख दिया यहां से हिलेगा नहीं, इसके साथ नहीं घूमना। अभी अभी पीछे हो जाओ, सबको समझा रहा हूँ, सब सुन लो। उसके बाद अपना ये माथा, फोर हेड आपने बेसबॉल बैट के ऊपर इस तरह रख देना है, ये उठाना नहीं है, इस पे रख के चक्कर लेने। लो चक्कर, अब चार राउंड लेंगे, एक दो तीन और ये हो गए जी चार। फौरन जाएंगे उस बकेट में, बॉल दें, एक बॉल पिक करेंगे एक वक्त में, उस बकेट के अंदर ड्रॉप कर देंगे, फिर चार चक्कर, फिर पिक करेंगे, फिर ड्रॉप करेंगे। 60 सेकंड का टाइम है, जो स्कोर ज्यादा कर लेगा वो बाइक खड़ी हुई है जी, बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक उसके साथ जाएगी। समझ में आ गया? चक्कर तो नहीं आते ज्यादा, अगर आते तो हमारे पास गाने रेडी हैं, अगर तुम चक्कर खा के गिरे तो हमारे पास गाने रेडी हैं। रेडी हो? सर रख के रेडी गो। चलो चलो, अरे जल्दी जल्दी टाइम बताओ। दानिश ओ लक्की संभालो, कोई इसको रोको, कोई तो बचा लो, कहीं ये गिर न पड़े। नहीं नहीं चक्कर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। दुनिया झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, पर ना चाह है धरती झूम रही है। ये दुनिया झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, अंबर ना चाह है धरती बड़ा मुश्किल है क्या? कहाँ जा रहे हो यार? इधर चक्कर भी तुम्हें यही आ रहे हैं। अरे संभालिएगा जरा भाई, आए भाई आए। नेक्स्ट इनका स्कोर रहा जी दो, नहीं 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 नहीं, यहाँ चार चार पांच पांच स्कोर हुए हैं। इट डिपेंड्स, अगर आपको चक्कर नहीं आते होंगे ना, आप आराम से तीन चार कर लोगे, बट अगर चक्कर आ जाए, नहीं फिर यहाँ नहीं गिरना, मैं ये समझा रहा हूँ, आगे की तरफ गिरना है, सही है? चलिए रेडी गो। सर रखे सर रखे सर रखना, यहाँ पे रेडी गो। चले एक बहुत आला, बहुत थोड़ी सी जो पीली है चोरी चक्कर में गिन रहे चलो की है। आओ नेक्स्ट, डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई, जहाँ बैठे वहां जाके बैठ जाइए। मैंने आपको पहले ही कहा था सर नहीं उठाना है, मैं आपको दो दफा कह चुका था, आइए सर नहीं उठाना है, सर उठाया डिस्क्वालीफाई, वहीं गेम खत्म। चलिए रेडी है, सर रख के रेडी गो। ओ राशिद ओ माजिद ओ साजिद संभालो, कोई इसको रोको, कोई तो बचा लो, कहीं ये गिर न पड़े। जल्दी क्या सुन रही है, ये दुनिया झूम रही है, बढ़ना चाह है धरती झूम रही है, ये
अरे हम गिर ही पड़े चलो चलो चांद बना पड़े बहुत कोई एक बार उठाएगा इंतहाई को एक दो जल्दी चले ओ उस्मान ओ काशिफ को चिमनी बजा लो कोरे इसको रोक को अरे हम टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप रिप्ले दिखाएं भाई ये हाथ ही देखना कि थोड़ा बचा ले भाई को हाँ जी आपका भी स्कोर रहा है जी दो तीन स्कोर कर लेंगे मैं आपको सही बता रहा हूँ मुझे लगता है नहीं तीन कर लेंगे तो आपको चांस है बाइक बाइक आपको देख रही है देखें चलिए रेडी माथा रख के रेडी गो चले चार चक्कर कर ले तीन चार चलो 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 ये आजा रे मेरे पास तू सारी सारी रात पुकारे तुझे सुन चलो दे वही तू कौन सी गोल 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 जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो रहा है टाइम खत्म हो रहा है एक और एक और एक और एक और चल 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 अरे चलो टाइम अरे यहाँ जाना है हमारे गांव मेरा दोस्त ऊपर वाला टांगे वाला हूँ मैं मर्द ऊपर वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला जल्दी चलो 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 टाइम अप टाइम अप टाइम अरे 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 अच्छा ये गेम खेलने के बाद चक्कर कुछ अजीब सा आ जाते हैं आदमी सामने वाले को देख के चक्कर खा रहा होता है हाँ जी नेक्स्ट कौन है आप है भाई पहले भी आ चुके हैं आप है ना ऊपर तो जाए मुंह तो दिखाएं देखा कैसा याद है मुझे आए ना पहले अब यहाँ इस तरफ नहीं गिरना यहाँ गिरना है कहीं सही है अगर तीन आज आप स्कोर कर देंगे बाइक ले जाएंगे सब ने दो दो किए वरना मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा रेडी हो जाए कोई भी एक रेडी गो चलो तेज तेज अरे 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 एक अरे सुन रुक लो तुझसे प्यार हो गया क्या करे तरसता था दिल चल तुझसे शादी करे मैं तेरे टांगे वाले तू मेरा टांगे वाला तेरे टांगे वाले तू मेरा टांगे वाला चल 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 बोले मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी बिजली भरी है मेरे अंग अंग में बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक जाएगी आपके साथ बैठिए बहुत सारी तालियों में एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो सारी बातें तो ठीक है ये दो तीन प्रोग्राम से शहरी को सिर्फ शादी वाले गाने क्यों याद आ रहे ये लगातार दूसरा तीसरा प्रोग्राम में शादी जरूर आ रही है भाई खैरियत है असल में तलाक वाले हैं नहीं ना अच्छा भाई नेक्स्ट गेम के लिए कौन कौन आएगा गेम का नाम है बोरी वाले बाबू बोरी पहन के यहां से वहां जंप करके जाना है सिंपल पांच लोग चाहिए जीतने वाले को बाइक दूंगा बोरी वाले बाबू कौन आएगा आओ एक आओ दो ब्लैक टी शर्ट तीन लंबे बाल व्हाइट व्हाइट कुर्ता सलवार व्हाइट कुर्ता सलवार व्हाइट कुर्ता सलवार चार एक और वो पीछे ब्लैक टी शर्ट सबसे पीछे आ जाओ पांच चलो
जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। लाओ भाई जरा दो वीगो टेल मोबाइल से लाओ। जब तक और लाओ दो, किसे चाहिए? बैठ जाओ सारे। मुझे जहां से शोर आएगा वीगो टेल, उसके पास आएगा वीगो टेल, वीगो टेल मोबाइल। शोर आएगा तो वीगो टेल मोबाइल। लाओ भाई शोर आना चाहिए। वीगो टेल जगह दो बेटा, जगह दो, जगह दो। वीगो टेल मोबाइल। और कौन रह गया है? और कौन रह गया है? वो पीछे पीछे गिरोगे तो किसी को नहीं मिलेगा। वीगो टेल मोबाइल और लो, पांच और लो, जल्दी से ले आओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो 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 चलो, लाइए भाई जल्दी से, आराम से, सवेरा इतनी तेज। वीगो टेल मोबाइल, चलिए जगह दो। और किसे चाहिए? आपको तो दिया है मैंने। वीगो टेल मोबाइल। और कौन है? वीगो टेल मोबाइल, वीगो टेल मोबाइल। और किसे चाहिए? इधर आओ। वो जो आंटी है ना, जई सी जो आंटी है, ब्लू कुर्ता सलवार, उनको देकर आंटी भेज रहा हूँ वीगो टेल मोबाइल आपके लिए। आओ भाई, नेक्स्ट कौन है? जल्दी आइए। काशिफ जरा गेम समझाइए ना। आए चारों आगे आइए, मैं समझा दूँ। एक और है ना, पांच लोगों को बोला है मैंने, चार लोग हैं। एक और, एक और चाहिए। एक लड़का था ना ब्लैक टी शर्ट में, सबसे पीछे था। आओ चलो, मोबाइल देने गया पता नहीं। आ गया, आपने इस तरह ये बोरी पहननी है, पैसिफायर्स रखे। अच्छा तुम आ गए हो, आ जाओ। बगैर हाथ लगाए ये उठाना है, यहां से वहां जंप करके जाना है। जंप का मतलब जंप, प्रॉपर जंप करके जाना है, जंप करके आना है। जो चल के जाएगा वो काउंट नहीं होगा स्कोर, सही है? जंप करके जाना है, जंप करके आना है। 60 सेकंड है, जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो होगा विनर। आ जाओ, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी जंप करके जाना है और जंप करके आना है। रेडी है? चलो भाई रेडी। यार सबके सामने बोरी पहन ली तुमने, कोई बात नहीं यार, चलो रेडी गो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए। अरे 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 अरे, आज रपट जाए ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो, आज लपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। टाइम खत्म हो रहा है, टाइम अप। तुम वहां रुक के सोचने क्या लगते थे भाई? 60 सेकंड से नॉन स्टॉप जंप करके जाना है और आना है। हाँ, इनका स्कोर रहा है जी 4-4। चलिए आप रेडी है? बोरी पहन ली, पकड़ के रखिएगा, रस्ते में उतरना जाए। सही है, रेडी गो। बरसात ने थी कहां बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। जंप कर दिए, जंप और नहीं होगा वरना, जंप कर दिए। बरसात में थी कहां बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। कैसी ये हवा चली, पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी रे। भीगा ये तेरा बदन, जागे यही मीठी चुभन, नशे में झूमे रही मन रे। कहाँ हूँ मैं, मुझे भी ये होश ही नहीं, आहा ओहो आहा एहो। आज बहक जाए तो हमें ना दिलाइयो, आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, होश तो दिलाइयो तो, होश जो दिलाइयो तो खुद भी बहक जाइयो,
आज रपट जाए तो हमें टाइम अप वेरी गुड। एक काउंट नहीं होगी इनकी, फोर है इसको, इनका स्कोर भी। आइए, इनका भी स्कोर रहा है चार, या आराम से छह स्कोर होता है। एक दफा सीख जाओगे कि तुम स्लिप नहीं कर रहे हो, आराम से उसी स्पीड से जाओ, उसी स्पीड से आ जाओ, बट जल्दी करना। रेडी 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 भाई, रेडी गो, चलो। बादल से चमचम शराब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑलरेडी लगाई हुई थी इसने, दोबारा एक मिनट सीधे खड़े हो, रेडी गो, चलो। बादल से चमचम शराब, चमचम चमचम क्या बस, सांवरी घटा से शबा पर से, ये बात बहुत ज्यादा छे हो जाएंगे, छे हो जाएंगे। बादल से चमचम शराब पर से, सांवरी घटा से शबा पर से, भूतों की बची पायल घटा ने छेड़ी गजल, तीरत गई मचल रे, दिल के राज खुले, इज़ा में रंग खुले, जमा दिल की खुली रे, अरे होना था जो हुआ वो ही, अब क्या डरना, आहा ओहो, आज रपट जाए तो हमें ना उठनी हो, आज रपट जाए तो हमें ना उठनी हो, एक और जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, 12 सेकंड लगे, 12 सेकंड, हमें जो उठनी हो तो आज रपट जाए तो। आखिरी काउंट नहीं होगा तुम्हारा, ये कौन सी जंप होती है भाई, है ना, आ जाओ जल्दी आ जाए, जंप करना है, नहीं करोगे काउंट नहीं होगा, सही है, जंप करके जाना है और जंप करके आना है, 60 सेकंड है, रेडी है भाई, बोरी पहन ली, रेडी गो। हवा हवा ते हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली अखुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार, मिला दे यार मिला दे, दिलदार मिला दे यार, मिला दे दिलदार मिला दे, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली अखुली जुल्फ बता दे, उसका बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार, मिला दे यार मिला दे, दिलदार मिला दे यार, मिला दे दिलदार मिला दे, टाइम अप। क्या स्कोर रहा इनका, 5 स्कोर रहा है जी आपका अभी तक का हाईएस्ट। आइए अब आपको कम से कम 5 तो करना ही है, 6 स्कोर कर लेंगे तो मुझे लगता है फिर आप जीत जाएंगे, आगे आइए, बट जंप इन्हीं भाई की तरह करनी है, ये प्रॉपर जंप कर रहे थे ऐसे ही जंप करनी है आपने भी, इसके बाद एक और है। अच्छा तुम्हें मैं किसी और गेम में बुलाता हूँ, इसके बाद वाले गेम में बुलाता हूँ, रेडी गो। फिर किसी के चेहरे का जंप 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 पिछड़ा हुआ आज कोई किससे मिल गया, किसी के चेहरे का रंग खिल गया, पिछड़ा हुआ आज कोई किससे मिल गया, कैसे मिल गया कहाँ मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना, हवा 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 चलना दे, कहाँ खुली अपनी जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा बार, मिला दे यार मिला दे, दिलदार मिला दे यार, मिला दे दिलदार मिला दे, जब 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 करिए जब करिए, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, टाइम आप, एक काउंट नहीं होगा, चल के गए थे क्या, कितना स्कोर है, आए जी 5 वाले कौन थे, आओ जल्दी से आओ, सबसे प्रॉपर जंप थी भी आपकी, बॉल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक जाएगी आपके साथ, आइए बैठिए बैठिए, जल्दी लाओ बैठो, गाली होनी चाहिए पाकिस्तानियों,
नेक्स्ट गेम के लिए कौन आ रहा है? गेम का नाम है ये क्या कर दिया, फेस पेंटिंग का गेम है। मुझे तीन कपल्स चाहिए, तीन कपल्स। जीतने वाले को मैं रोज ब्यूटी पाउडर की तरफ से एलईडी दूंगा। कौन आएगा? आप दोनों किसी गेम में आए तो नहीं है, आइए जल्दी से। एक और कौन आएगा? आप भी आइए, आइए आइए, दोनों आ जाइए। एक कपल और चाहिए, आप लोग आ चुके, आप दोनों आ चुके, रिपीट नहीं कर सकता मैं। आइए, वो बेचारे नहीं आना चाह रहे, ये आपको देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आ जाए। एक मिनट आने से पहले जरा दिखाए तो बनाना क्या है, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड की मेकअप करना है? हस्बैंड ने वाइफ के मेकअप करना है। आप यहां आ जाइए और मेकअप कुछ इस तरह का करना है, जरा गौर से देख लीजिए कुछ ये। जीतने वाले को मारोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से एलईडी दूंगा। आप इनके साथ आए थे? नहीं, आप हस्बैंड वाइफ तो नहीं है? नहीं, वापस हस्बैंड वाइफ का गेम, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक कपल और चाहिए, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, आप दोनों आइए, आइए। ये आपने इनके ये मेकअप करना है, सही है, आपने इनके ये मेकअप। अब तो बड़े खुश हैं आप, हैं कुछ मेरे तो हो ही नहीं रहा। आ जाए भाई जल्दी से, मतलब जैसा जैसा आप जिस तरह का भी बना सके, लेकिन करीब करीब होना चाहिए इससे। आइए। अच्छा भाई, बोल वाला स्क्रैच कार्ड किस किस के पास है? बोल वाला स्क्रैच कार्ड किस किस के पास है हाउस में? आप सब लोग संभाल के रखिएगा। हम हर प्रोग्राम में किसी भी एक खुशनसीब को पाकिस्तान भर से पुरानदाजी के जरिए देते हैं एक 800 सीसी कार, और किसी एक खुशनसीब को यहाँ भी पुरानदाजी के जरिए हम देते हैं 800 सीसी कार हर प्रोग्राम में। रिवायत के मुताबिक हम करेंगे पूरे पाकिस्तान से तीन लोगों को शॉर्टलिस्ट, उनमें से किसी एक के घर में आज भी जाएगी कार। मेरा साथ देंगे मेरे सारे बच्चे गाएं, बच्चे मन के सच्चे, ये मेरे साथ मिलके बच्चे स्टॉप बोलेंगे। ये नंबर चल रहे, देखते हैं कौन है वो तीन खुशनसीब। 3 2 1 8279182002। नेक्स्ट, बच्चे रेडी? आप रेडी हैं? रेडी हैं आप? स्टॉप बोलेंगे मेरे साथ, चलिए 3 2 1 स्टॉप। 8284222170। नेक्स्ट, बच्चों की मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप भी बच्ची हैं? अच्छा, और बच्चे कहाँ हैं? ये बात, चलिए 3 2 1 8496440900। ये कौन कौन है, कहां से? मुसर्रत इस्लामाबाद से, हिना कराची से, फौजिया लाहौर से। सबसे पहले कौन है हमारे साथ कॉल पे, लगाइए कॉल। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम फौजिया। जी जी फौजिया, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है फौजिया। आपने हमारा बोल वाला स्क्रैच कार्ड खरीदा था? जी जी, 500 वाले दो खरीदे थे। 500 वाले दो कार्ड में से कोई सा भी एक कार्ड आपके लिए बहुत लकी था। आज आपको शॉर्टलिस्ट करा गया है एक 800 सीसी कार जीतने के लिए। जी जी, मैं यही बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके घर में आज गाड़ी आ जाए। जी थैंक यू, अगर आ जाएगी तो मैं गाड़ी में घूमूंगी। अगर आ जाएगी तो जरूर घूमिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा, सही है? नेक्स्ट कॉलर जल्दी से। कौन है जी? हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना जी, कराची से। हिना कराची से, हिना क्या करती हैं आप? मैंने अभी मैट्रिक खत्म किया है, इंटर में किया है मैंने अभी। अच्छा, इंटर में आई हो, फर्स्ट ईयर में हो? जी जी। अच्छा हिना, आपने बोल वाला स्क्रैच कार्ड खरीदा था? हाँ जी, मैंने 100 वाले चार लिए थे। 100 वाले चार कार्ड में से कोई एक कार्ड बहुत लकी था आपके लिए। आज आपको शॉर्टलिस्ट करा गया है बच्चों के जरिए 800 सीसी कार जीतने के लिए घर बैठे। अच्छा हाँ, अभी शॉर्टलिस्ट हुए हो आप, जीते नहीं हो। मैं थोड़ी देर में अगर आपको कॉल बैक करूंगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि गाड़ी आपके घर पे आ रही है। अगर मेरी कॉल ना आए तो बस दुआ में याद रखिएगा, सही है? थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर जल्दी से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसर्रत
जी बिल्कुल बोल रही हूँ। मुसरत क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ स्कूल में। कोऑर्डिनेटर है मुसरत। अच्छा आपने बोल वाला स्क्रैच कार्ड खरीदा था? जी बिल्कुल खरीदा। अच्छा वो कार्ड आपके लिए बहुत लकी था, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है आज 800 सीसी कार जीतने के लिए। ओके लेकिन ये कार आपके घर आ रही है या नहीं, आप लकी विनर हैं या नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताऊंगा। ठीक है बहुत शुक्रिया मुसरत। अच्छा भाई अब मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, आके यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अभी भी ढेर सारे इनाम और काफी सारे गेम्स बाकी हैं जो आप लोगों के साथ मैंने खेले हैं। यहीं से कंटिन्यू करूंगा आगे गेम शो। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा गेम शो, ऐसे चलेगा गेम शो, ऐसे चलेगा गेम शो, ऐसे चलेगा गेम शो। कौन आएगा खाने? नेक्स्ट गेम का नाम है खाओ पियो। जीतने वाले को आज तक की एलईडी आप आ चुकी है। आ बेटा जल्दी से आओ। हाँ एक और कौन आएगा? आइए दो दो और, दो और चाहिए। आओ तीन, एक और, एक बच्ची और चाहिए। जीतने वाले को आइस टैग की एलईडी दूंगा। आइए जल्दी से, चार हो गए, चार हो गए, एक दो और गए, दो और। किस किस को बुलाया मैंने? एक आप बेटा आप आओ और एक वो पीछे आ गई। अच्छा भाई इस मिठाई का नाम क्या होता है? मिठाई का नाम क्या है? चम चम, चम चमाती हुई चम चम, सही है। आपकी फेवरेट मिठाई है? हाँ आपकी, आपकी भी फेवरेट है, तो आप दोनों में बड़े मजे का मुकाबला होगा। बच्चों चमचम है और एक मिनट है और भरपूर खाना है। ऐसा नहीं है कि आप मुंह में रख लिया मुंह में जीत गए मैं जीत गई, खाना है प्रॉपरली। एक मिनट के टाइम में जिसने सबसे ज़्यादा या सबसे तेज़ी में पूरी ख़त्म कर ली वो होगा आज का विनर। आइस टैग की एलईडी जाएगी उसके साथ। रेडी है चारों? आप भी रेडी हैं? वो अपने आप को ही देख रही है। आप रेडी हैं? चलिए रेडी गो शुरू हो जाए। एक मिनट का टाइम है, कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा, कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा, सारे का बदन सदन रे मगर पानी का बुलबुला, ओ हो पानी का बुलबुला, आ हा हा पानी का बुलबुला। चार दिन की दुनिया कुछ खा ले पी ले, कुछ खा ले पी ले, कुछ खा ले क्या है। बस 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस बेटे बस। अच्छा जी कितनी तेजी में मिठाई खाई है तुमने, हैं? ओके ओके तुम तो दावत में आई भी हो बेटे लग रहा है किसी की, और आप ठीक है। आइस टैग की एलईडी जाएगी आपके साथ, आप है आज के विनर। बच्ची के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं पहले। अच्छा जी नेक्स्ट गेम का नाम है फैन गेम, बहुत आसान गेम है। हमारे पास टेबल टेनिस की बॉल होती है, उसको बाउंस करके कप्स रखे उसमें फेंकने होते हैं, पंखा चल रहा होता है, अकॉर्डिंगली आपने हवा के साथ मैनेज करके फेंकना है। बहुत आसान गेम है, कौन खेलने आएगा? एक मिनट, आप लोग डन हो गए सारे? आ जाए जल्दी आ जाए, तीनों आ जाए। पांच लोग चाहिए मुझे, पांच लड़के। अच्छा जी आप आइए, एक
और कौन आएगा? वो ऑरेंज टी शर्ट आ जाओ। आप लोग थोड़ा यहाँ साइड पर आइएगा, सामने आ जाइए वहाँ पे। तीन और ब्लैक शलवार कमीज आ जाओ। एक दो और दो आओ। एक और आपका गेम नहीं है, आपको बुलाता हूँ इसलिए। आओ तुम आओ, ये तुम्हारा गेम है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ तुम बस। अब अच्छा भाई, आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मारोज ब्यूटी पार्लर की एलईडी इनमें से किसके साथ जानी चाहिए, किसने ज्यादा अच्छी फेस पेंटिंग की है। जिनके ख्याल में ये वाले भाई, अरे क्या आधी ऑडियंस आपके घर से आई है क्या? अच्छा, जिनके ख्याल में ये वाले भाई, ओके, जिनके ख्याल में ये वाले भाई, आप अकेले आए। मारोज ब्यूटी पार्लर की एलईडी जाएगी आप दोनों के साथ। बहुत सारी तालियों में पहले तालियों बजाइए विनर्स के लिए। ये बात आ जाए भाई, नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते आगे आइए। काशिफ आ जाओ बेटा, काम आया है। अच्छा जी, जीतने वाले को आइस टैग की एलईडी दूंगा। ये गेम बड़ा सिंपल है, आगे आइए मैं समझा दूं एक बार। चलो आगे हो तो आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे आगे आइए मैं समझा दूं एक बार। छह कप्स हैं, पंखा चल रहा है, ये आपको टेबल टेनिस की बॉल है, ये बाउंस करके मुझसे तो नहीं जाएगी, आप लोगों से चली जाएगी, ऐसे जानी है। 60 सेकंड्स हैं, जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो होगा विनर। सबसे पहले तुम आ जाओ। ये बात मुसलसल स्माइल कर रही है, रेडी हो तुम? और तुम्हारा टाइम शुरू होने वाला है, रेडी गो, चलो। अरे आराम, अरे आराम से, ये टाइम ऑफ। रिकॉर्ड बना लिया बच्चे ने, इसका स्कोर हो गया 6। अच्छा 8 हो चुका है पहले, नहीं नहीं आज का रिकॉर्ड है अभी तक का ये 6, तुम्हारा हाईएस्ट। गेम समझ में आ गया, सिंपल सा गेम है। चलो भाई आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो टाइम अप। इनका स्कोर रहा जी 2। आए भाई आ गया, ये गेम समझ आ गया, सिंपल सा गेम है, आ जाओ। 6 स्कोर है अभी तक का हाईएस्ट, अब तुम्हें उन्हें हराने के लिए 7 करना पड़ेगा या कम से कम 6 तो करना ही करना है। रेडी गो, चलो। लठे दे चादर उत्ते सलेबी रंग माया, आहो सामने आहो सामने ओतो दे रस के न लंग माया। लठे दे चादर उत्ते सलेबी रंग माया, आहो सामने ओतो दे रस के न लंग अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर
पूरा लंदन ठुमकता पकड़ में गिर गई पूरा लंदन ठुमकता टाइम अप आए भाई इनका स्कोर भी रहा है दो वो का है बच्चा विनर जो है अभी तक का क्या बात है यार 6 स्कोर कर लिया उसने आ जाओ गेम बड़ा सिंपल है एक दफा तुमने फ्रीक्वेंसी मैच कर लिया तो पता चल गया किस स्पीड से फेंकने फिर तुम फेंक सकते हो वो बच्चा वही कर रहा था रेडी गो चलो टाइम शुरू दिस इज एक शाबाश टाइम अप नहीं टाइम अप हो गया था एक निकाल दो आ जाए भाई नेक्स्ट 5 हुए इनका स्कोर आखिरी सेकंड के बाद एक इन्होंने डाल दिया था लेकिन टाइम अप हो गया था आइए रेडी है गेम इतना मुश्किल नहीं है संभल के खेलना है बस रेडी गो चलिए चले ओ तुझे लगे ना नजरिया क्यों ना उड़े तू चुनरिया तुझे लगे ना नजरिया उड़े चुनरिया मेरी निगाहें मेरे दिल को फुलाए दे बिचुनिया बिचुनिया तेरी निगाहें मेरे दिल को फुलाए दे बिचुनिया बिचुनिया तुझे लगे ना नजरिया क्यों ना उड़े तू चुनरिया तुझे लगे ना नजरिया उड़े चुनरिया तेरी निगाहें मेरे दिल को फुलाए दे बिचुनिया बिचुनिया अब इनका भी स्कोर रहा जी 4, 5, 6, 7 हो गया इनका स्कोर 7 स्कोर रहा इनका बेहतरीन आइए अब आपको इन्हें हराने के लिए 8 स्कोर करना है 7 भी कर लेंगे तो आप एटलीस्ट इनके साथ टाई अप हो जाएंगे और फेस ऑफ खेल सकते हैं बॉल लाओ और भी सारी जमा करके एक साथ ले आओ जल्दी से डालो चलो रेडी गो चले हाँ तेरा शर्माना तोबा तेरा इतना ना जो भी देखे तुझे वो ही हो जाए सुने कैसा मन तेरा उस भोला मन तेरा मुझको भी कर गया दीवाना तेरा बाकी नहीं गुजरिया यही बोली है जगरिया सुन बाकी नहीं गुजरिया बोली है जगरिया कचके कमरिया तो छलके कचरिया ये बजरिया आज तक की लड़ी जाएगी भाई के साथ बहुत सारी तालियों में क्या बात है यार जबरदस्त जबरदस्त आइए प्लीज अच्छा जी अब हमारे साथ है एक गेस्ट मल्टी टैलेंटेड एक्टर है बहुत ही वर्सटाइल एक्टर है आपने उनके हर काम को बहुत पसंद किया है वो भले टेलीविजन के लिए हो भले फिल्म के लिए हो मेरे अपने भी बड़े पर्सनली फेवरेट एक्टर हैं अभी हम दोनों साथ में एक नया सीरियल भी करने लगे हैं
बहुत सारी तालियों में मैं दावत देता हूं महमूद असलम साहब को। आइए मोदी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आइए 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 आइए। चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। आप लोगों के लिए महमूद साहब, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। महमूद साहब कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आप खड़े होके बजा रहे थे वो तालियां थी। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये जो खेलने आए हैं वो गेम है। मोदी भाई क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या नया काम हो रहा है आजकल? बहुत कुछ हो रहा है। एक तो मेरे साथ ही करने लगे हैं, आपके साथ करने लगा इंशाल्लाह ताला। दानिश के साथ एक सीरियल करने लगा हूँ मैं और महमूद भाई, अभी रिसेंटली अब स्टार्ट करेंगे, बल्कि एक सीरियल नया बहुत ही एंटरटेनिंग है, किसी ने मिस नहीं करना है, बहुत मजे का सीरियल है। और इनके साथ काम करके होता क्या है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने कभी महमूद साहब से सीखी है वो जो आपकी वोकल है, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो इनकी क्रिस्टल क्लियर होती है। एक बार बहुत सारी तालियां हो जाएं पहले। थैंक यू, फिर बहुत शुक्रिया महमूद साहब। टीवी पे तो काम करते ही, अभी रिसेंटली इनकी दो फिल्म्स आई ब्लॉकबस्टर, एक थी जी रॉन्ग नंबर 2 और एक थी तीफा इन ट्रबल, दोनों में बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स और मैंने तो बहुत ही इंजॉय किए दोनों फिल्में। छलावा भी आई थी, जी हाँ, तीन फिल्में थी। बहुत सारी तालियां हो जाए महमूद साहब के लिए। एक मिनट, वीगो टेल मोबाइल लो, महमूद साहब आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं। ले आओ ले आओ, पांचों महमूद साहब के हाथ में, जिसे देना चाहे फेंकना चाहे बिल्कुल दे सकते हैं। चलता जा कोई गाए जाए, चलता जा ये बात, ये बात। वीगो टेल जो बोलेगा वीगो टेल, भाई ये बोलो वीगो टेल, वीगो टेल। कैच पकड़े, एक और एक और, कौन दे रही है? जो आप जिसको देना चाहे बात, दुनिया नहीं है बबल। आजा भाई, नेक्स्ट गेम का नाम है, अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे चाहिए 8 अच्छे डांसर्स। आज जो डांसर्स आएंगे वो जरा जहन में रखे, ऑडियंस के साथ साथ महमूद साहब भी आए हैं, इनके सामने डांस करना है। कौन आएगा? जीतने वाले को बाइक दूंगा। 8 अच्छे डांसर चाहिए, आओ 1 2 और कौन आएगा? 3 आओ, 4 जीतने वाले को बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक मिलेगी, 5 आओ, 6 7 एक और वो पीछे मरून टी शर्ट, आइए 8 आइए आइए, जल्दी आइए, आओ ब्लू शर्ट, जल्दी से आओ, आप भी आएंगे डांस करते हैं, आप आइए ना फिर जल्दी से। और कौन है? हाँ वो ब्लैक टी शर्ट, उसको मैंने पहले कहा था, जल्दी से आ जाओ महमूद साहब, आइए आपको दिखाते हैं क्या कमाल कमाल डांसर आते हैं हमारे यहाँ। और जो जीतेगा बेहतरीन डांस करेगा उसको मिलेगी बोल वाला स्क्रैच कार्ड की तरफ से बाइक। आ गए सारे, 2 ही आ गए, वो आ गए, आए भाई सबसे पहले कौन है हमारे साथ, आइए 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 जल्दी आइए। अस्सलाम वालेकुम, देखे देखे से लग रहे, पहले भी आया ना, क्या नाम है? मुइज, मुइज पहले डांस किया तुमने? यही किया था और सेकंड भी यहीं पर आए हो, अच्छा किया था, जीत गए थे या नहीं? सेकंड आए थे, तुम्हें कैसे पता सेकंड आए थे? हम तो फर्स्ट वाला बताते हैं बस, आज देखते हैं कि तुम फर्स्ट आते हो या नहीं। रेडी गाइस, चलिए रेडी गो, 3 2 1 दुखी पे दुखी हो या पत्ते पे पत्ता, दुखी पे दुखी हो या पत्ते पे पत्ता, और से देखा जाए तो बस है सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत
मोहब्बत या है जवानी। ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है, कि दिल को आज क्या हुआ है, कि झूमता ही जा रहा है। टाइम अप, आइए जी नेक्स्ट कौन है भाई, आइए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? राशिद। राशिद, पहले डांस किया तुमने? नहीं कभी नहीं। आज पहली दफा जी? वो भी इतने सारे लोगों और महमूद साहब के सामने। कोशिश करूंगा। महमूद साहब के पीछे उनके है। दूसरी बात, आज तक तुमने महमूद साहब को देखा होगा, आज महमूद साहब तुम्हें देख रहे हैं। रेडी गाइस, रेडी गो। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। आने से उसके पाए बहार, जाने से उसके चाहे जोर से मोनिका बोला लकी ने कहा भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, किसके साथ आए? ये फैमिली के साथ आए अपनी? क्या आप सब सब लोग एक साथ? चले, अभी तो मैंने आपको बुला लिया है। तुमने पहले डांस किया, पहले नाम बताओ क्या? मोहम्मद यूनुस। यूनुस, पहले डांस किया तुमने? कभी नहीं। कभी नहीं, आज फर्स्ट टाइम? नहीं यार, पहले बचपन में बहुत कर रहा। चलो आज देखेंगे तुमने कैसा किया बचपन में डांस। रेडी गो। ओ ओ जाने जाना, ओ हो ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना। से सनम को खत लिखा, खत में लिखा हमने सनम को, खत लिखा खत में लिखा। ए दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को खत लिखा खत में लिखा। आपको देख के ये राज गई ये जान, शम्मा के परवाने के ये बात। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। ये बात आए भाई, नाइस। कुछ कहना चाहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस महमूद साहब? कैसी लगी आपको जो अभी गए भाई? नहीं नहीं, सारे बहुत अच्छा कर, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? एहसन। पहले तुम यहाँ घूम जाओ। एहसन, घबराए हुए तो नहीं हो ना? नहीं। कोई बात ही नहीं घबराने की यार, गाने चलेंगे, तीन गाने परफॉर्म करना है। पहले डांस किया तुमने? नहीं, पहले नहीं किया। आज पहली दफा कर रहे हो, देखते तुम कैसा डांस करते हो। रेडी, ऑल द बेस्ट, रेडी गो। महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा छोड़ा, चार मीनार छोड़ा, बेच को टांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा, कभी ले रहम थोड़ा। महबूबा महबूबा पन्ना की तमन्ना है के हीरा मुझे मिल जाए, क्या बात है, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मैं घर जाए। मतलब के महबूबा हो तो भी ये बनने की तमन्ना भी यही है। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? रशीद खान। रशीद साहब, आपने पहले डांस किया है कभी? कभी नहीं। कभी नहीं, तो फिर यहाँ कैसे? बस ऐसे ही कि चले देख लेते हैं कि हम भी कैसा डांस करते हैं, आज खुद भी देखेंगे, लोगों को भी दिखाएंगे, और महमूद साहब भी देख रहे हैं आज। चलिए, ऑल द बेस्ट, रेडी गाइस, रेडी गो। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहां, कदर तन हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, 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 नाच मेरी बुलबुल, 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 बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी पीता था पानी, बुलबुल का बच्चा। नेक्स्ट गाना, नेक्स्ट। ओ हंसनी, वाह वाह वाह, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। मंचली हो मंचली, कौन सी है ये गली, मंचली हो मंचली, कौन सी है, ओ ये वो गली है, यहाँ एक बार जो आया लौट न पाया, तू यहाँ से बच के निकल जाए तो किस्मत तेरी। मंचली हो मंचली, आज मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहाँ, कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। आज मेरी बुलबुल, 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 मर जाएगी बुलबुल। एक मिनट जरा, यहाँ ये तो लग रहा है बुलबुल को करंट लग गया। माइक लाए जरा, माइक दे लाके जरा, एक मिनट। महमूद साहब कह रहे हैं ये तो लग रहा है बुलबुल को करंट लग गया है। फर्स्ट टाइम है सर मुझे, मैं घबरा रहा था पीछे खड़ा हुआ कि कुछ टूट टाट ना जाए डांस करते हैं। नहीं नहीं सर, इतनी जोर से डांस, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, तुम देखो बच्चे सैम के वहाँ बैठ गए नीचे। सर मुझे अपने इंट्रोड्यूस को, मतलब ऑडियंस को एंटरटेन करना था, वो आपने किया है। हाँ, उसके लिए तालियां बनती है, एंटरटेन तो किया है यार, आ जाइए। अच्छा एक्चुअली ये बयक वक्त सखर और हैदराबाद में डांस कर रहा है, दोष होते हैं इसके। अच्छा जी, महमूद साहब के साथ साथ हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं, जो कि बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस है, कमाल की एक्ट्रेस है, जो कैरेक्टर भी करती है उसमें पूरी तरह ढल जाती है, और आप लोग बहुत एंटरटेन भी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस से। मेरी पर्सनल फेवरेट, बहुत सारी तालियों में उनको वेलकम करेंगे, हिना दिल पसीर, आइए। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, तू दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे, अरे जगने जगने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करेंगे तुझसे सारे, कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। आ जाइए दोनों, आ गया जी, दोनों आ गया जी। आप लोगों की मोमो और आपके महमूद साहब। आई लव यू। आपको एक चीज बताऊं, मोमो यहाँ क्या कर रही हो तुम? अच्छा कुछ बात नहीं। हम यहाँ पे एक छोटी सी मिमिक्री कॉन्टेस्ट कर रहे थे रमजान के अंदर। हाँ जी, 80-90% जो खवातीन आती थी उन सब ने मोमो की मिमिक्री की कोशिश की है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, सबकी फेवरेट मोमो होती थी, जिनसे मैंने पूछा 80-90% लोग उनकी फेवरेट मोमो थी। मोमो, नो डाउट। हिना जी क्या हो रहा है आजकल? काम। बिल्कुल, काम तो हो रहा होगा और बहुत ही यूनिक काम हो रहा होगा, ये भी मुझे पता है। हाँ, यूनिक तो है, बेहतरीन, अल्लाह करे अब लोगों हाँ। को अच्छा लगे सबको। अरे आप जो भी करती हैं लोगों को बहुत पसंद आता है, इनफैक्ट दोनों, आप दोनों जो भी करते हैं बहुत पसंद आता है। आप सबकी दुआएं हैं, ये इतने प्यारे साथी हम लोगों के साथ हैं। मुझे तो यकीन कीजिए जब इंडस्ट्री में आई ऐसे लोग मिले तो इस वजह से मैं ग्रो कर गई। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है? मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, उसका नाम है परे हट लव। आसिम रजा डायरेक्टर हैं, शहरयार मुनव्वर उसके प्रोड्यूसर हैं, और हिट है ना? क्या है, हिट है ये बात। उसका नाम बकरीद पे रिलीज हो रही है बाय द वे। उसका नाम पता क्या है? परे हट लव। एक बार सब एक आवाज होके कहेंगे परे हट लव, 1 2
3 ये बात और सबने देखनी भी है जाके इस ईद उल अज़हा पे रिलीज हो रही है टाइम निकाल के जरूर जाइएगा है ना जी मुझे साहब थोड़ा सा पीछे आ जाइए आइए भाई नेक्स्ट हमारे साथ डांसर कौन है जल्दी से माइक 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 अल्लाह अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है बेटा संदूर फैसल तुमने पहले डांस किया है यार सब आज कोई लोग आ रहे हैं जिन्होंने पहली बार डांस करना है कर लोगे डांस पंजाबी में पंजाबी में डांस कैसा होता है भाई देखो वो गाने कोई से भी प्ले करेंगे तुम्हें जो डांस आता है वो कर लो पंजाबी हो पश्तो हो बलोची हो सिंधी हो कोई सा भी हो सही है चलो ऑल द बेस्ट रेडी गो पुदीना देखा नक्का नगी ना देखा चिकन चमेली देखी चिकन कमी ना देखा चांद की डर हो के चीट किया तो सारे तारे बोले गिले गिले यक्का इस पे भूत कोई चढ़ा है ठहर ना जानना अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना दिल पकड़ के खड़ा है तुम थोड़े ना जानना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मानना मानना बदतमीज दिल बदतमीज दिल ये जो हाल है कमाल है जवान है जाने ना चलना खुदा हाफिज आइए थोड़ा सा आगे आइएगा वालेकुम अस्सलाम माइक दें भाई को बहुत तैयारी में लग रहे हैं हाँ जी तैयारी में है आप कह रहे जी बिल्कुल क्या नाम है आपका अब्दुल हमीद पहले डांस किया आपने थोड़ा बहुत तो फिर तैयारी कैसी हुई नहीं मतलब थोड़ा बहुत करता रहता ऐसे कभी शादियों मेहंदियों में किसी की शादी हुई घुस गए डांस करके आ गए जी जी घुस गए नहीं मतलब किसी दावत में जाते चले भाई रेडी गो सर की जो सर के जो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे तेरी दिल ले गई तेरी चुनरिया दिल ले गई ए माड़ा है ते माड़ा सही जो है कुछ भी होवे ओ साडा मैं क्या कह रहा था अब इतने सारे प्रोग्राम्स करने के बाद एक चीज मुझे समझ आ गई है पाकिस्तानियों का जो एक नेशनल स्टेप है ना डांस का वो पता है क्या है हर गाने पे ऐसे ही है भाई कुछ और भी स्टेप्स होते हैं घर में थोड़ा सीख लिया करो आ जाओ नेक्स्ट कौन है भाई कितने रह गए लास्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका सलाम अयास अयास पहले डांस किया आपने पहले करा है शादी में करा किसकी शादी पे थे सिस्टर की उस पे आपने डांस किया था मेहंदी में किया होगा मेहंदी फिर उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद आप रुके थे शादी में या शादी हो गई थी पूरी कंप्लीट हो गई आखिरकार हो गई हाँ हो गई चलें ठीक है हमें दिखाएं कैसा डांस चले भाई देखना चाहेंगे हम भी कैसा डांस करते Ready, go! ओ खाई के पान बना रस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सब नेता एक गोरा गंगा किनारे वाला एक छोरा गंगा किनारे वाला के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के अरे वादा किया था आने का उसने आएगी 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 वो तो मस्ती दिलों पे छाएगी छाएगी छूटेंगे हम नाचेंगे हम गाएंगे हम डिस्को डांडिया आ जाए भाई सारे डांसर्स आ जाए लाइन से अभी डिसाइड होगा ऑडियंस डिसाइड करेगी कि आज बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक किसके साथ जानी चाहिए और बेहतर डांसर कौन था महमूद साहब और आप दोनों थोड़ा सा इधर आ जाइए महमूद साहब ने तो सबकी परफॉर्मेंसेस देखी है आपने मेरे ख्याल से हाफ ऑफ इट आधे लोगों की देखी है लेकिन डिसाइड करेगी ऑडियंस एक मिनट सिर्फ तालियों से बताएंगे जिनके ख्याल में ये वाले भाई ठीक है आप पीछे हो जाइए
जिनके ख्याल में ये वाला भाई ओके पीछे जाओ, आप भी पीछे जाओ, जिनके गए नहीं अभी तक जिनके ख्याल में ये वाला भाई नहीं आ जाओ इनके साथ कौन है? ये आपके साथ आए ना, फिर कैसे बजा रही तालियां, आ जाइए जिनके ख्याल में ये वाले भाई आ जाओ, जिनके ख्याल में ये वाले भाई, जिनके ख्याल में ये वाले भाई, जिनके ख्याल में ये वाले भाई हैं, सच सच बताओ किस किस को साथ लेकर आए हो? ये आधी ऑडियंस तुम्हारी फैमिली लग रही है मुझे, नहीं, ऐसा नहीं है, आए भाई दोनों आ गए, ऑडियंस बिल्कुल ठीक कह रही है, यही थे, अब तो महमूद साहब ने भी कह दिया, फिर भी एक मिनट, ये तीन लोग मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप लोग बताएंगे जिनके ख्याल में ये वाले भाई, ठीक है, जिनके ख्याल में ये वाले भाई और जिनके ख्याल में ये वाले भाई, बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक जाएगी आपके साथ बैठे, पहले सगीनाथ बनारस वाला, फिर तो धमाल सीधी कर दे सबके, अच्छा जी अब मेरे पास बची है एक अदद पोटली, इसके बाद एक पोटली बची है, जो भी पोटली के लिए निकलेगा उसको हेल्प आउट करेंगे हिरादिल फजीर जी और महमूद साहब, कौन आएगा मेरे साथ खेलने, करना क्या है? मैं भी समझाता हूँ आपको, हाँ जी कौन आएगा, अच्छा इतने सारे लोगों को तो बुला ही नहीं सकते, एक पोटली है मैं करूंगा कुरानदाजी, देखता हूँ किस्मत किसको मेरे साथ यहाँ लेकर आती है, किसी भी एक आदमी का नंबर निकालूंगा, GS 270 कौन है भाई, आप लोग हैं, आइए उस्मान, चले भाई महमूद साहब ने तो वीगो टेल मोबाइल्स बांट दिए हैं, अब हमारी दूसरी मेहमान है हिनादिल बजीर साहबा, 5 मोबाइल जल्दी से ले आओ वीगो टेल के, हिना जी आप जिसको भी देना चाहे, फेंकना चाहे, जैसे भी चाहे, आइए 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 बेटा, माइक लो पहले साथ साथ, किसी को भी, किसी को भी ले आओ, ले आओ और ले आओ और ले आओ, मोबाइल लाओ, दो रख लो बस, आइए आ जाए आ जाए, शोर नहीं आ रहे, शोर आना चाहिए, ये बात मैं मुझसे बहुत आला, आपको मिल गया ये बात, ये ले आ जाए भाई बैक टू द पोटली, कौन थे उस्मान, यही लोग हैं, सॉरी मेरे पास इतने ही थे वरना मैं सबको देती, हमने बहुत सारे बांट दिए असल में आज, मैं आप लोगों के लिए बचा के रखे, आइए जल्दी से आइए जल्दी से आइए, वालेकुम अस्सलाम, आज आपको हेल्प आउट करेंगे आपके फेवरेट महमूद साहब और हिना दिल पजीर, अब आप दोनों उस तरफ चले जाइए, आप इनके साथ खेलेंगे, सही है, हम मिलके खेलेंगे, मिलके खेलेंगे आप लोग, हाथ मिलाए, अच्छा वेरी गुड, माइक दीजिए बेटा माइक दीजिए लोगों को, सलाम अलैकुम जी, क्या नाम है आपका, अदनान, अदनान साहब अभी आपका, किरण और अदनान हमारे साथ खेलने आए हैं, अदनान क्या करते हैं आप, मेरी दुकान है ज्वेलरी की, ज्वेलरी की दुकान है आपकी जी, अच्छा अदनान आज से पहले कभी आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें आपको अपना लक आजमाने का मौका मिला हो, बिल्कुल की है, तो आपका लकी नंबर क्या है, लकी नंबर 2, आपका लकी नंबर 2 है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन हर आदमी का लकी नंबर नहीं चलता है, ठीक, आगे आप समझदार हैं, बिल्कुल, आप मेरे साथ चलेंगे उस केव के अंदर, वहाँ तकरीबन हमारे पास 7 पोटलियाँ बची हैं, उसमें से कोई भी एक जो आपको लगता है कि आज आपकी किस्मत बदल सकती है वो आप ला सकते हैं, आइए मेरे साथ, चले आइए, अच्छा आपको पता है ये कैसे खुलता है, जी बिल्कुल, खुलवाइए और कोई भी एक पोटली जल्दी से ले आइए, बोल जा टिमटिम, ये बात पोटली नंबर 2 आ जाइए भाई, इन्होंने अपने लिए चूज की है पोटली नंबर 2, हाउस में किस किस का लकी नंबर है, 2 नंबर 2 किस किस का लकी है,
आपका लकी नंबर है और आपका लकी नंबर है, आपका भी लकी नंबर है आपका। कम लोगों का लकी नंबर है दो वैसे। कम लोगों का है? हाँ कम लोगों का। बाबा ने बोला है। चलिए मैं देखता हूँ। हमारे भी नहीं रखते ना कि दो नंबर है। मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें सांप है। नहीं मैंने तो मुझे गांड लेता भी। सांप तो नहीं है। मैं आपको पहली ऑफर दूंगा 1.5 लाख रुपए की। दो नंबर है। हाँ ये दो नंबर है तो डेढ़ कैसे लगा। हाँ जी ओए 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 ओए। 200 नहीं थी कम से कम। अगर मैं पोटली खोल के दिखा दूं आप आग भाग के आएंगे और मेरे गले मिल लेंगे इस वक्त। नहीं नहीं कि दानिश भाई आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं इसके ऊपर। बहुत कम। अच्छा सोच लीजिए आप लोग हेल्प कर सकते हैं। मैं पहली ऑफर दे रहा हूँ इनको 1.5 लाख रुपए। मैं इस पोटली के अकॉर्डिंगली खेल रहा हूँ। मैंने देख लिया कि इसके अंदर क्या है। हिना जी इतनी जल्दी थोड़ी। नहीं नहीं अच्छा फिर कीमत लगाएं। सबर कीजिए। सॉरी सॉरी मैं तो 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ। बहुत कम है। बहुत 5 लाख दें आप इनको। मोमो जी आएंगे। अगर मैं आपको अभी दिखा सकता कि इसमें क्या है आप जाके इनसे फौरन कहती भाई 1.5 लाख रुपए ले लो बस आगे कुछ ना बोलना। नहीं कुछ भी हो वो उसके रिग्रेट थोड़ी होते हैं। पता नहीं 5 लाख रुपए ले लें आप लोग जाएं क्या मसला है। जी बताइए फाइनल इनकी मर्जी भाई। इसमें सोने का सेट भी हो तो 5 लाख का आप खरीद। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें हो सकती है एक 4000 cc वर्थ ₹75 लाख ठीक है। एक हो सकती है 1300 cc 2500 तोले सोना भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हो सकती है टेनिस बॉल हो सकता है एक बॉइल्ड एग हो सकता है 14000 का मोबाइल फोन भी। लेकिन क्या इसमें जहाज है। पहले था अब नहीं उड़ गया वो। अच्छा जहाज हमने उड़ा दिया लेकिन अभी 4000 सीसी और 1300 सीसी बाकी है। ए ना बाकी 25 तोला भी है। बाकी तो है नहीं 25 तोला भी तो है। बाकी तो बॉल भी है बाकी तो अंडा भी है बाकी तो मोबाइल भी है बाकी तो यूपीएस भी है बाकी तो जनरेटर भी है। डुगडुगी भी निकल सकती है। हां डुगडुगी भी निकल सकती है। आज मेहमू साहब कह रहे हैं तो जरा संभल के खेलिएगा। नहीं मेहमू साहब आए आए तो है। आप दोनों को हेल्प करने के लिए आए। हम तो हौसला देने आए भाई। खेलना तो आपने खेला आपने और वो आपको समझाएंगे भी क्या। अगर आपको लगे कि ये ऑफर बेहतर है आप इनको कन्विंस कर सकते हैं कि ऑफर ले लो। समझाना है कि बहकाना है जैसे आपको सही लगे। देखिए अगर आप दोनों को लगे कि नहीं ये ऑफर मेरी ज्यादा बेहतर है इसमें कुछ भी छोटा इनाम हो सकता है तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं ऑफर अच्छी ले लो। जैसे कि मैं अपनी ऑफर बढ़ा के कर रहा हूँ 2.5 लाख रुपए। चलिए नहीं 2.5 लाख का मैं कम तो नहीं है। मैं स्पोर्टी के हिसाब से खेल रहा हूँ। 20 लाख का होता है 25 तोला सोना। वो तो 25 तोले सोना होता है ना। 20 लाख का है। सुने आ रहे हैं भाई उनको तो कीमत का भी पता है। मैं कह रहा हूँ कि वो तो सोना अगर होगा तो होगा ना। वो अगर भी नहीं लगा रहे वो कह रहे हैं सोना है। तो 25 लाख का होता है 20 लाख का होता है। नहीं यार बाबा ने बोला अभी बाबा ने ये बाबा है बहुत बड़े बाबा। उन्होंने क्या बोला आपको। दो नंबर पोटली में 25 तोला सोना। अच्छा उन्होंने ये बोला दो नंबर पोटली में 25 तोले सोना। फिर तो बड़ा मजा आएगा मुझे खेलने का। मैं आपको कितने पैसे दे रहा हूँ अभी तक। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। और बताएं अब तो बाबा ने बोला है आपको। उन्होंने बोला होगा दो नंबर पोर्ट भाई। मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब डायरेक्ट डबल कर दी मैंने। बहुत कम है। हाँ सही है कम है तो 5 लाख रुपए जी कैश बिल्कुल ठीक है। महमूद साहब अब आप समझा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए इन्होंने बोला कि इनके बाबा हैं तो इन्होंने बोला है कि इसमें 25 तोले सोना है। मैंने क्यों एकदम से डबल कर दी कीमत। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम 5 लाख पे मान जाएं तो आप कहें सॉरी ये तो सिर्फ एक डुगडुगी ये इसमें 25 लाख का सोना था और अगर हम वो लेते हैं तो फिर वो डुगडुगी बन जाती है। ये गेम यही तो है। यही तो गेम है। थैले का जादू बड़ा खतरनाक। गेम इज ऑल अबाउट दिस। अब आप यही है अपनी छठी हिस को इस्तेमाल करते हुए अगर हो तो हाँ। तो आप बताएं कि क्या करना है इसका। मुझे लग रहा है क्या लग रहा है सोना। आपको सोना भाई जरा बच्चों के लिए डैन पार्क की तरफ से चोको एग्स लाइए दो ले आइए दोनों बच्चों के लिए। मुझे लगता है आप दिन रात सोने में रह के ना आपको सोना नजर आता है।
पांच लाख रुपए कैश दे रहा हूँ, सही है? कम है। कम लग रहे हैं आपको? 15 लाख कम है। ओ, 15 लाख भी कम है? दानिश भाई थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, दानिश भाई प्लीज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हीरा दिल पजी साहब ने बोला मैं इसमें ऐड करता हूँ एक महरोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से एलईडी, और बताएं बल्कि एक क्या, मैं आपको दो एलईडी देता हूँ, लाओ भाई आईसेक की 42 इंचेस की एलईडी भी लाओ, और बताएं। अब आपके पास तकरीबन पैसे हो गए हैं 6.25 लाख रुपए, सोच समझ के खेलिएगा। आपको लग रहा है कम है पाकिस्तानियों, वो मैं क्या कह रहा था कि लालच बहुत बुरी बला है, और ये गेम सांप सीढ़ी का गेम है टू बी ऑनेस्ट। इससे पहले वाले में कार थी, निकल गई ना वो तो सोलह नहीं निकला ना। सीढ़ी कहीं भी जाए सांप तो नीचे मशरूमों के पीछे जो सांप सीढ़ी होती है उसमें 99 नंबर पे एक सांप है, अगर आपकी गोट उस पर आ जाती है तो आप काफी नीचे आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो मैं 5 लाख रुपए साथ में मारोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से एलईडी और एक आईसेक की एलईडी दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हाथ कुछ भी ना है। देखो जो बीवी बीवी बच्चे वाले होते हैं ऐसा रही है वो सांप से नहीं, बेगम से भी तो पूछे आप भी तो बोले कुछ। बिल्कुल। आंखें आपको क्या लग रहा है भाभी, ये आंखें दिखा रहे हैं इनको, गलत बात है। हाँ चले वो तो सरबरा है लेकिन आप इनको मशवरा दे सकती है, इनकी तो राय है और इनकी राय है। हाँ जी आए भाई, इनके लिए मैं ऐड करता हूँ डैन पार्क के चोको एक्स की तरफ से एक अदद बाइक भी। आप लोग कैसे आए थे? ओवर में आए थे? नहीं, फिर मैं इनको 3 बाइक्स दूंगा, बोल वाला स्क्रैच कार्ड की 2 बाइक्स भी दो। आपके पास आ गई है 3 सवारियां, एक नहीं दो नहीं 3 सवारियां। देखिए ये 3 पता क्यों दे रहे हैं, 2 आपकी है, 1 मेरी और मोमो की है। हमने इसमें बैठ के जाना है। अब है आपके पास 3 बाइक्स, 5 लाख रुपए कैश और 2 LEDs भी, और क्या चाहिए? ये देखिए अभी भी कम है, कम बैठे बैठाए वो भी कम है भाई, कुछ नहीं किया, मान ही नहीं रहे लोग तो। अगर मैं इनको दिखा दूं कि 2 नंबर पोटी में क्या है, फिर कहेंगे यार वही दे दो जो हमें दे रहे थे। सोच लीजिए, द टाइम इज रनिंग आउट, एक दफा ये टाइम चला जाता है तो वापस नहीं आएगा। आपको लग रहा है ये कम है? ला भाई एक रिबेल की तरफ से वॉच लेकर आओ ब्रांडेड इनके लिए, और है ज्वेलर की एक ज्वेलरी सेट भी दो। ये मेरी ऑफर में एड है आपके लिए, रिबेल की ब्रांडेड वॉच है और है ज्वेलर की तरफ से आपके लिए ज्वेलरी सेट है, ये ले। और बताए अगर ये ऑफर आपने नहीं ली और आप पोटली के साथ ही गए, महमूद साहब ये ब्रांडेड वॉच आपके साथ जाएगी, है ज्वेलर आपके साथ जाएगा। अब आप लोग समझाइए, देखिए मेरी बात सुने। मान ले मैं तो कहता हूँ अगर ओवर नहीं ले तो दिन की है। हाँ। और चले मैं आप दोनों को एक एक हाई स्टैक की एलईडी भी दूंगा, ये आपको समझाया नहीं रहेंगे तो ये हमारी है, नहीं हमारी तरफ से आपकी है। हेलो ये तो अभी बोल रहे हैं ना, ये अभी बोल रहे हैं, जब वो निकलेगा ना हाँ फिर पीटेंगे इनसे, बोले फिर या तो पोटली ले लें या मेरी ऑफर। आपको क्या पोटली? पोटली मैं आपको कितने पैसे दे रहा हूँ? कम है। अच्छा पोटली ना? नहीं भाई आप लोग रेडी हैं? मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, ये लोग नहीं मान रहे। रेडी हैं आप लोग? आप लोग रेडी हैं? पोटली पोटली मैं आपको 7 लाख रुपए कैश दूंगा। बहुत जिद्दी आदमी लग रहे हैं यार, अभी देखते हैं ना कितने जिद्दी है ना। 7 लाख रुपए कैश है महमूद साहब, 7 लाख रुपए कैश, साथ में है बोल वाला स्क्रैच कार्ड की 2 बाइक्स, एक डैन पार्क के चोको एक्स की बाइक, एक मारोज ब्यूटी पार्लर की एलईडी, एक आईसेक की एलईडी, एक हैश ज्वेलर की ज्वेलरी और एक रिबेल की वॉच। और बताओ सोच समझ के इस ऑफर से पीछे हटिएगा, पूरे नहीं हो रहे ना फिर भी यार, लालच क्या है भाई, और कैसे समझाऊं मैं आपको? कम हो रहे हैं, आपको लग रहा है कम है? बिल्कुल कम तो कहीं से नहीं है, मैं ये ऑफर माने और बीच में से खत्म करें, सामान जमा करो और फिर आखिर में हार जाना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑफर ऐसी है कि शायद मैं भी ले लेता, नहीं लेकिन कम है अभी, कम तो नहीं है, 25 तोला भी नहीं आ रहा इसमें, इतने में भाई आप 25 तोला के पीछे क्यों पड़े? वो तोले के पीछे पड़े हुए। लाओ यार इनको मैं एआर एविएशन की तरफ से 2 अदद उम्रे के टिकट्स भी देता हूँ, चलिए जाके उम्रे की सादत हासिल करें। ओए होए 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 और क्या चाहिए, बल्कि यार मैं टिकट्स के आप दोनों को पूरा पैकेज देता हूँ, अकोमोडेशन भी देता हूँ जाके उम्रा की, चलिए जबरदस्त। 7 लाख रुपए अलग है, वो कैश है, 7 लाख करारे करारे नोट्स है, मुझे क्या पता
आपको कोई लालच नहीं आ रहा अभी, मैं कुछ भी नहीं कह रही है आप। मुझे तो उम्रे की बड़ी लालच आ रही है, बता मुझे ऑफर करते मैं लेके चले। नसीब वाले लोग जाते, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको ऑफर में दिया है। अब पोटली वाले नहीं जाते, नसीब वाले जाते। पोटली वाले नहीं जाते, लेकिन एक्चुअली पता है गलती उनकी भी नहीं है। अभी तक पोटली में 4000 सीसी नहीं निकली, मेरा मतलब इसमें नहीं है, हाथ मैंने ऐसे रखा था, 4000 सीसी भी नहीं निकली है। इस लड़के की बातों में नहीं आई है। 25 तोले भी नहीं निकला है, 25 तोले भी नहीं निकला है, और जो भी एक बड़ा इनाम है 1300 सीसी 800 सीसी ये भी नहीं निकला। लेकिन अगर इसमें 800 सीसी कार है वो कितने की आती है आजकल? 7.5-8 लाख रुपए की आ जाती है। मैं आपको 7 लाख रुपए कैश दे रहा हूँ, साथ में इतनी सारी चीजें, आप बहुत आराम से खरीद लेंगे एक 800 सीसी कार, अगर तो इसमें 800 सीसी कार है। और अगर बड़ी हुई तो? अगर बड़ी वाली हुई तो वो आपकी किस्मत। लेकिन एक बात ये भी तो सोचे, अगर इसमें ये बात, मेरे मुंह की बात किसने छीनी है, ये बात, अगर इसमें बॉइल्ड एग हुआ आज, वो भी नहीं निकला अभी तक। आबिद भाई ने बोला है। आबिद भाई कौन है ये? बाबा पहले हनी भाई थे। आप आबिद भाई की सुनेंगे या अपने दिल की? आप चीजें लीजिए और अपनी दुकान खोलिए, आप कमा लें। मैं तो कहता हूँ सोने का काम छोड़े और ये काम मोटरसाइकिल जागने का काम करें। इना जी कह रही है जागने का काम करें और जागते में फैसला कीजिए, इतनी सारी चीजें ना छोड़िए। लेकिन देखिए आपके नसीब में वही आना है जो अल्लाह ने लिख दिया है, सही। तो आराम से फैसला कीजिए, हम सिर्फ समझा सकते हैं। नसीब की बात है, नसीब की बात है सारी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नसीब आपको आपको यहाँ ले आया है, तकरीबन 450 लोग बैठे हैं, इनमें से मेरे हाथ ने आपका कार्ड कैसे निकाला ना, आपका नसीब अब यहाँ पर आ गए हैं। आप यहाँ से आपने जीत के जाना है सबसे ज्यादा, सही है, मैं भी यही चाहता हूँ। छोड़े यार, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ, मैं आपको 8 लाख रुपए कैश दूंगा और पोटली भी दे दें साथ में। और हम घर चले जाएं। बिल्कुल काम है, आज ही घर जाना है वापस जी, मुझे। इसके बाद घर ही जाना है मुझे। 8 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है इसके बाद मैं ऑफर ना बढ़ाऊ। सोच लीजिए अपना फाइनल आंसर, मुझे बताइए पोटली या फिर 8 लाख रुपए। अब पूछ रहे हैं उनसे, हाँ भाई जब मैंने पैसे बढ़ाए, हाँ भाई बताइए। नहीं ले तो ले, लेकिन क्या ले ले, मेरी ऑफर या पोटली? ऑफर भाई, बात सुनो, पहले पोटली वाले हाथ उठाएं जो चाहते हैं पोटली। पोटली वाले बताओ, पोटली वाले, पोटली वाले हैं। और जो लोग बोल रहे हैं मेरी ऑफर ले ले, ये सब बोल रहे हैं, जो बाबा ने आपसे बोला है वो ना ले। चाह रहे हैं ना, जो आपका दिल कह रहा है आप वो कीजिए। बताइए जल्दी से फाइनल, मुझे बताइए। लोगों की बातों में नहीं जाना। फाइनल मैं दिखा दूं पोटली में क्या है। फाइनल पोटली, बिल्कुल रेडी है आप? मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। चलिए ये मेरी फाइनल ऑफर है, इन सब चीजों के साथ, इन सब चीजों के साथ ले लो 10 लाख रुपए कैश। एआर एविएशन की तरफ से 2 लोगों के लिए उम्रे का पैकेज, गोल वाला स्क्रैच कार्ड की 2 बाइक। सोना तो है आपके पास, आप ये चीजें लें, 8 लाख रुपए और जाए। बहुत बड़ा फायदा है ये, 10 लाख रुपए भी है साथ में, है ना? और अगर खुदा ना खास्ता इस चीजें चली जाती है, बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? 25 लाख का सोना, वो भी हो सकता है, बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, वो तो 4000 सीसी भी सकती है, और होने वो तो 1300 सीसी भी सकती है। ये लक है आपकी। चले भाई, अब आप देंगे मेरे साथ काउंट डाउन, कम ऑन। यस, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोलिए पोटली। फाइनल फाइनल, बिल्कुल बिल्कुल, काली नमक मिर्च मंगवा लो। नहीं, कुछ और मंगवाना है मुझे। हिना जी, ये आपके लिए। थैंक यू महमूद साहब, ये आपके लिए। थैंक यू जजाकला। काशिफ, उस्मान, सब कुछ गायब, एक आइस्टैग कैलेडी आपके लिए, एक आइस्टैग कैलेडी आपके लिए। तालियां। मेरे ख्याल से दानिश जी, वो 8 लाख को भी आधे आधे कर दो। वैसे मैंने 8 नहीं को 10 लाख की ऑफर दे दी थी। मुझे लगता था ऑफर ज्यादा अच्छी है। मुझे भी यही लग रहा था, मैं तो 7 लाख में भी मान जाता। लेकिन फाइनल ना आपको नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं बाबा को फोन लगाइए। फाइनल आपको पोटली चाहिए,
रेडी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल. आर यू गाइस रेडी? आपको बहुत बहुत मुबारक. ओए ये 10 लाख रुपए की बॉल है. वो कह रहे हैं आपसे मुलाकात हो गई है, ये काफी. पोटली में चेक करें कुछ और ना निकल. चेक कीजिए, चेक कीजिए. अच्छा हैदराबाद वाले को हाय बोल दे जी. हैदराबाद वाले मेरे भगवान इसमें गाड़ी है, माजूर है, उनको हाय बोल दे. आप अगली जगह गाड़ी है तो आप इस बाबा को सलाम कहिएगा. क्या नाम था आपकी फूफा का? बिल्की साहबा. अस्सलाम वालेकुम भाईजान. आमिर बाबा को सलाम कहिएगा मेरा. हाँ उनको मेरा सलाम कह दीजिएगा, आमिर साहब को मेरा और शहरी का. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए. लाए भाई जल्दी से बाउल लाइए, जल्दी से, टाइम नहीं है. लाए भाई जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, आओ जल्दी से, जल्दी से आइए. अच्छा जी, ये हम पूरे पाकिस्तान से 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनके पास हमारा बोल टीवी का स्क्रैच कार्ड होता है, बोल वाला स्क्रैच कार्ड. उसमें से किसी एक के साथ घर बैठे 800 cc कार जा रही है, ये बच्चे डिसाइड करेगी वो नंबर क्या है. हजारों नंबरों में से ये 3 नंबर शॉर्टलिस्ट हुए थे इन लोगों के जरिए. अब उसमें से भी एक इस बच्ची को एक डैन पार्क की चॉकलेट दीजिए जल्दी से. अच्छा जी, ये नंबर है 8284222170. ये किसका नंबर है? अरे हिना जी आपका नंबर है ये तो. हिना कराची, कराची. कॉल लगाइए जी. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हिना जी. जी हिना आपका पूरा नाम क्या है? सैयदा हिना इखलाक. सैयदा हिना इखलाक. हिना आप स्टूडेंट थी राइट? जी. आप स्टूडेंट हैं? जी जी जी, फर्स्ट ईयर की. फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है. काफी लकी हैं आप. क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ काफी लकी हैं आप. अच्छा. हाँ बताऊंगा कैसे. ऐसे के घर बैठे 800 सीसी कार. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. अच्छा, अच्छा. बहुत बहुत मुबारक. सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, उसके बाद बोल नेटवर्क जिसने आपको ये मौका दिया है. अच्छा भाई, अब एक 800 सीसी कार यहाँ भी किसी एक के साथ जाएगी. आप लोगों के पास जो बोल वाला स्क्रैच कार्ड है वो निकालिए. बोल वाला स्क्रैच कार्ड किस किस के पास है, अपने अपने स्क्रैच कार्ड निकालिए. यहाँ चलेंगे आपके नंबर. और बच्चे कहाँ हैं सारे? बच्चे कहाँ हैं? बच्चों की मुझे आवाज नहीं आ रही है. ये बात. बच्चे मेरे साथ मिलके स्टॉप बोलेंगे. रेडी है सारे बच्चे? चलिए 3, 2, 1. ए 1243 1000. ये किसका लकी नंबर है? ये स्क्रैच कार्ड नंबर किसका है? आपका है? आए जल्दी से उस्मान, चेक करो जाके. अच्छा भाई लास्ट गेम मेरे पास बचा है, लूट लो. किसी ने लूटने? चुप कर जा, मजे ले. लेकिन लूट लो का मतलब ये नहीं है कि आप लोग नीचे उतर के आ जाएं. हिना जी, महमूद साहब और मैं खुद आएंगे, जहां जहां जिस जिसको जो चीज देनी है इनकी मर्जी से देते रहेंगे. आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे. उस्मान यही है, जल्दी से आइए. कंग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत मुबारक. क्या नाम है? निशान. तुमने कितने वाला कार्ड खरीदा था? महमूद साहब 500 वाला स्क्रैच कार्ड खरीदा था, उस पे भाई की 800 सीसी कार निकली है. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. अल्लाह आपके नसीब में करे. कंग्रेचुलेशंस. प्लीज हैव अ सीट, जाके बैठिएगा. चले भाई शुरू हो जाइए. रेडी आप लोग? लाओ सामान ले आओ. बिन जमील के कुत्ते हैं जिसको देना चाहिए. और सामान लेके आओ, ले आके आ जाए. चलो आप लोगों को जाना चाहे तो जा सकते हैं. आ जाए. फायदा ब्यूटी क्रीम, फायदा ब्यूटी क्रीम लगे प्लान हो रहे हैं. फायदा ब्यूटी क्रीम. We got it. किसे चाहिए? We got it mobile. एक और We got it है आपके लिए अंकल. We got it mobile. मोबाइल आगे अपने पर. है ज्वेलर की ज्वेलरी. इन्हें चिकन.
ये एनर्जी को देख रहा हूँ, जाइए मुझे जगह देना, बेटा जगह देना। वाइज ऑफ ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट यहाँ पर, वाइज ऑफ ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट यहाँ पर, वाइज ऑफ ब्यूटी क्रीम स्नो ग्लो का गिफ्ट यहाँ पर, जाइए पाकोला का गिफ्ट यहाँ पर है, पाकोला का गिफ्ट यहाँ पर, स्नो ग्लो का गिफ्ट यहाँ पर, कैच पकड़िए स्नो ग्लो का गिफ्ट यहाँ पर। चलो 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 उधर चलो, उधर चलो, जगह दो जगह दो, मैं जो तुम्हें दे दिया सर, जगह 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 दो, पाको लगा क्यों कैंपर बच्चे जगह दो, पाको लगा क्यों कैंपर बच्चा जगह क्यों कैंपर है, ये लीजिए सब ले आइए, सब ले आइए, लाओ मुगलिया की वॉशिंग मशीन, किसे चाहिए मुगलिया की वॉशिंग मशीन है नामू साहब, जिसे देना चाहें दे सकते, जिसे देना चाहें आप, किसे देना चाहें जिसको भी देना चाहें, किसी भी एक को बुला ले, चले लगे आइए वहां से बुलाइए, वहां से बुलाइए आंटी, यहां से आइए, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां, पड़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन बचा दे और आसमां इनके सिवा जाना कहां, पढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है, फूल निकले